गुड आफ्टरनून <laughs> कैसे हो आप सब बढ़िया चलो जी वापस आते हैं हमारे सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का नाम क्या है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो भाई लास्ट क्लास में हमने शुरुआत करी कॉस्ट की डेफिनेशन जो है समझी कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर एक्चुअल या नोशनल और एक्सपेंडिचर क्या होगा या तो स्पेसिफिकली इंकर्ड होगा या हम एट्रीब्यूट करेंगे ऑन अ स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी किसी भी चीज़ की कॉस्ट के निकालनी है किसी भी सर्विस की कॉस्ट निकालनी है वो इस पूरे सब्जेक्ट में जो है अपन को पढ़ना है ठीक है जी फिर हमने कहा कॉस्ट की बात करें कॉस्ट ब्रॉडली तीन चीजों में क्लासीफाई करी किस किस में मटीरियल लेबर और एक्सपेंस मटीरियल जिस भी चीज़ को हाथ लगा सकते हो दैट इज़ अ मटीरियल फिर कुछ लोग जिनकी ज़रूरत है लेबर और कुछ खर्चे जिसको हम क्या बोल रहे हैं एक्सपेंस जो है हमने नाम दिया फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े और हमने कहा मटेरियल लेबर एक्सपेंस को भी दो टुकड़ों में हमने डिवाइड करा जो डायरेक्टली लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट और जो इनडायरेक्टली असिस्ट कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट तो जो मटेरियल डायरेक्टली चाय में लग रही है जो हम कहते हैं पानी चाय पत्ती चीनी इलायची उसको हम क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल और हमने कहा इसके अलावा वो जो मेन्यू कार्ड है वो जो बर्तन है वो सारी चीजें इनडायरेक्टली यूज तो है मटीरियल है पर हमने कहा वो क्या असिस्ट कर रही है चाय बनाने में तो हमने कहा वो जो गैस है चूल्हा है यूटेंसिल्स हैं कटलरी है वो सब क्या हो गया मेरा इनडायरेक्ट मटीरियल जो है हुआ ऐसी जो व्यक्ति चाय बना रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट लेबर पर हमने कहा बाकी भी जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं आपके स्टोर कीपर का इंचार्ज हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सेल्समैन हैं वो सारे क्या हैं इन डायरेक्ट लेबर में जो है आ जाएगा और कोई खर्चा जो डायरेक्टली चाय बनाने में लग रहा है उसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और बाकी जो कॉमन बिजली पानी का खर्चा है उसको हम क्या बोलते हैं इन एक्सपेंस का जो है हमने नाम जो है दिया कम्फर्टेबल है फिर आगे बढ़े कॉस्ट लीडरशिप कॉस्ट लीडरशिप का मतलब क्या होता है हमने कहा लीडर कौन बनेगा जो इस प्रोसेस में हु कैन मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विस एट लोवेस्ट कॉस्ट बाई मिनिमम कॉस्ट पर आ जाए पर इंपॉर्टेंट क्या है वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी अगर क्वालिटी मेंटेन करते हुए कॉस्ट मिनिमाइज किया तो तो आप कॉस्ट लीडर हैं क्वालिटी खराब करके कॉस्ट मिनिमाइज करना उसमें इज नो नॉट अ बिग डील बात समझ आती है तो शायद लास्ट क्लास में इतना जो है हमने पढ़ा और आज एक चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम क्या है मटेरियल कॉस्ट तो भाई आज एक नए चैप्टर से शुरुआत करते बेसिकली तीन ही चैप्टर्स हैं मटेरियल लेबर और एक्सपेंस तो भाई मटीरियल की बात करें लेबर की बात करें एक्सपेंस की बात कर रहे हैं उसी को दो में डिवाइड करा हमने कहा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ठीक है जी फिर इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं ओवरहेड्स का एक नाम जो है देते हैं जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है इनडायरेक्ट लेबर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं ओवरहेड का नाम दिया और उसके भी फिर हमने टुकड़े करें वो सारा मटेरियल सारी लेबर सारे एक्सपेंस जो फैक्ट्री में लग रहा है उसको हम क्या क्या बोल बोल रहे रहे हैं हैं प्रोडक्शन ओवरहेड ओवरहेड हमने जो जो ऑफिस ऑफिस में लग रहा है उसको क्या बोल रहे है? और शोरूम में लग रहा है उसको क्या बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो इन डायरेक्ट मटीरियल इन डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको कलेक्टिवली क्या नाम बोला हमने overheads का नाम दिया पूरा एक चैप्टर आएगा ओवरहेड्स क्या होते हैं कैसे करते हैं फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैसे मैनेज करें ऑफिस ओवरहेड्स को कैसे मैनेज करें सेल्स ओवर और इसको कैसे मैनेज करें सारी चीजें धीरे धीरे जो है अपन को पढ़नी है ठीक है जी तो आज शुरू करते हैं हमारा मटेरियल कॉस्ट तो भाई मटेरियल कॉस्ट में दो ही चीज़ें मुझे पढ़ानी हैं एक तो मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है इस कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे जो है अपन करें ठीक है तो कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो तो आपने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत आपने जो है पढ़ा हुआ है कि मटेरियल कॉस्ट इन्वेंट्री चैप्टर फाउंडेशन में था तो उसको बाद में टिकप करते हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है शुरू करते हैं कि भाई इस कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज जो है करें तो उसका एक टॉपिक आज अपन को जो है पढ़ना है तो लो जी चेक करें मेरा एक सवाल कह रहे हैं वट क्वांटिटी वट क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड वट क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड टू मिनिमाइज To minimize inventory cost, to minimize inventory cost, Chalo ji, what quantity should be ordered? टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट तो भाई एक सवाल जो शायद डे टू डे लाइफ में भी आप एक काम जो है आने वाला है तो भाई इस बात को समझें भाई आप घर पे डेली ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो है सभी घर पे जो है बन रहा है ठीक है तो उसे एक बेसिक एक रॉ मटेरियल मान लेते हैं आटा घर पे डेली यूज होता है तो भाई सबके घर पे आटा डेली यूज होता है और मान लेते हैं आपके घर की डेली कंजम्पशन अब लिखना नहीं आपके घर की मान लेते हैं डेली कंजम्शन दैट इज वन के जी तो भी डेली एक किलो आटा भाई आप सब रोटी खा रहे हैं ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं लंच भी करेंगे डिनर भी करेंगे तो मान लेते हैं पूरे दिन में एक किलो आटा घर पे यूज जो है हो रहा ठीक है जी अब आपकी मम्मा ने आपको कहा कि बेटा मार्केट से जाके आटा जो है लेकर आना है ठीक है अब सवाल ये है ये आपको पता है डेली आज भी आटा यूज होगा कल भी यूज होगा परसों भी यूज होगा डेली आटा जो है यूज हो रहा है सवाल यह है आप मार्केट से वन केजी आटा लेकर आओगे भी आज का आटा आज का हो जाएगा कल फिर जाओगे वन के जी आटा लेकर आओगे परसों फिर जाओगे वन के जी आटा जो है लेकर आओगे तो भी एक डिसीजन है कि आप एक किलो आटा लेकर आओगे ये आपने कहा नहीं सर में एक हफ्ते का आटा सेवन के जी ले आऊंगा तो हर संडे के संडे में जाऊंगा एक हफ्ते का मैं सात किलो आटा जो है मैं लेकर आना चाहूंगा ये आपने कहा सही नहीं सर मैं एक महीने का आटा एक साथ ले आऊंगा कहाँ सा डेली यूज होना है तो मेरे हिसाब से तीस किलो आटा जो है लेकर आना चाहिए आपने कहा सर जब हर रोज यूज़ होना है तो सर पूरे साल का ही आटा जो है एक साथ ले आते कहाँ डेली मम्मी बार बार जो है हमें बोलेगी तो सर क्योंकि डेली यूज़ होना है तो सर हम तो पूरे साल का आटा एक साथ जो है खरीद लेंगे या आपने कहा जब डेली ही यूज होना है तो एक साल का मैं पूरे दस साल का आटा तीन हजार छ सौ पचास किलो जो है ट्रक भर भर के मैं आटा जो है लेकर मम्मी लो रोटियां बनाओ तो भाई सवाल ये है डिसीजन कैसे लोगे भाई आपको एक ही किलो आटा लेना चाहिए कि दो दो किलो आटा लेना चाहिए पाँच किलो लेना चाहिए दस किलो लेना चाहिए पंद्रह किलो लेना चाहिए बीस किलो लेना चाहिए पचास किलो लेना चाहिए सौ किलो लेना चाहिए तीन सौ किलो लेना चाहिए तीन हज़ार किलो लेना चाहिए डेली यूज़ तो होना है यूज़ तो होना है सवाल ये है कितनी क्वान्टिटी आटे के ग्रेड की बात करें आज हमें यही पढ़ना है मैं कितनी क्वान्टिटी का आटा परचेज करूँ कि मेरी कॉस्ट मिनिमाइज जो है हमारी हो तो भाई अब आराम से आप सोचें अगर वन के जी आटा आप लाते हो इसका फायदा नुकसान मैं आपसे पूछता हूं आराम से सोचें अगर वन के जी आटा आप लाते हो इसका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा पहले इसकी बात करते हैं फिर हम आएंगे अगर तीन सौ पैंसठ या तीन हजार छह सौ पचास क्यों लाते हैं इसका फायदा इसका नुकसान क्या होगा तो मेरी कोशिश है कि आप खुद ही फॉर्मले जो है बनाते जाओगे तो पहले आप ये बताओ अगर वन के जी लाइन लो जी माइक देना जो है शुरू करें अगर वन के जी आटा लें तो क्या फायदा और सर, क्या नुकसान सर जैसे अगर हम वन के जी आटा लेंगे तो सर अगर हमारी दुकान दूर है तो सर हमें बार बार जाना पड़ेगा रोज तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी ओके सर अगर वन के जी लेते हैं पहला नुकसान उन्होंने कहा कि सर देखो डेली जाने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो लगेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है हमारी डेली की लगेगी और दूसरी बात सर अगर हम वन के जी खरीदते हैं तो सर जरूरी नहीं है कि वो सर वन के जी उस दिन ज्यादा भी लग सकता है सर वन केजी से आ, चलो ठीक है तो सर अगर वन के जी लेते तो कई बार ज्यादा भी जो है लग सकता है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल जो है हम डिस्कस जो है करेंगे ही मान के चलते वन के जी है ठीक है कल का यही टॉपिक भी आना है सर कल को ज्यादा हुआ तो क्या होगा तो इसलिए दोनों टॉपिक जो है ना आपके पेपर में आने हैं तो फर्स्ट टॉपिक वन के जी मानकर चलें तो वन के जी खरीदना चाहिए डेली बेस पर तो इसका फायदा और नुकसान तो आपने कहा सर बस नुकसान है कोई फायदा नहीं है ठीक है और माइक जो है देना शुरू करें सर हमारे स्पेस पे मैटर करता है जैसे हमारे पास ड्रम है उसकी कैपेसिटी वन के जीज है हमारे घर में ठीक तो है हम एक किलो ही ला पाएंगे या फिर अगर हमारे उसके टेन है, तो हम टेन के जी स्टोर कर सकते हैं वो स्पेस भी करता है ओके okay. तो उन्होंने कहा सर अब एक बात और है अगर वन के जी लेते हैं तो सर वन के जी को स्टोर करना भाई हमारे पास सर एक कंटेनर है सभी घर में कंटेनर होगा तो सर वन के जी का कंटेनर है उसमें स्टोर करते हैं सर अगर टेन के जी आटा लोगे तो टेन के जी या कंटेनर भी रखना पड़ेगा सर अगर आप थर्टी के जी लोगे तो थर्टी के जी का कंटेनर भी खरीदना पड़ेगा अगर आप तीन सौ पैंसठ सर इसका तो कंटेनर ही नहीं आएगा शायद एक पूरा कमरा लेना पड़ेगा और अगर आप सर तीन हजार छः सौ पचास सर पूरा एक मकान लेना पड़ेगा उसमें कई कमरे लेने पड़ेंगे तो मतलब कुल मिला के कि सर अगर हम जितना कम लेंगे तो सर स्टोर करने की कॉस्ट कम हो जाएगी जितना ज्यादा लेंगे स्टोर करने की कॉस्ट थोड़ी सी जो है बढ़ जाएगी आ, ठीक है जी और सर क्वालिटी क्वालिटी भी भी उसमें होती होती है है कि मतलब ओवर डेज डिग्रेड है किसी चीज की अगर हम ओके okay, एक उन्होंने कहा सर अगर वन के लेते हैं तो सर ये लेटेस्ट मटीरियल मेरे पास आएगा लेटेस्ट मटेरियल आएगा बिल्कुल फ्रेश होगा पर अगर सर क्वांटिटी में लेते हैं तो सर थोड़ा सा पड़े पड़े भी सामान खराब हो जाता है चोरी भी हो जाता है आ जाएंगे खराब भी हो जाएगा ऑप्शलिट हो जाएगा सर उसका भी नुकसान जो है होता है ठीक है और कोई कुछ टाइम वैल्यू भी जैसे कि रोज रोज किलो खरीदेंगे तो तो हमें बार बार जाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, बार बार जाना जाना पड़ेगा पड़ेगा उसके लिए मेरी कॉस्ट वो, वो ट्रांसपोर्टेशन होगी इंप्लाइड कॉस्ट भी हो गई सर डेली जाना पड़ेगा तो अगर किसी को भेजेंगे तो उस इंप्लाय की सैलरी हो जाएगी मैं खुद जाऊंगा तो मेरी इंप्लाइड कॉस्ट मतलब जाने आने जाने की कॉस्ट मेरी बार बार जो है लगेगी हाँ जी

इससे भी कम तो ये डिसीजन कैसे ले रहे हो बस मन के सर तीन भी ज्यादा लग रहा है सर चलो 300 पे चलो ढाई सौ पे लग जाते चलो सवा सौ पे रोक लेते हैं हाँ जी चलो और कोई कुछ कहना चाहे ठीक है तो भी कुल मिला के, जो बात समझ आई भी कुल मिला के समझ आई कि सर देखो होता क्या है अगर मैं इसको समराइज करूं सर अगर वन वन -केजी आप लाते हो सर देखो इसका एक फायदा है इसका फायदा क्या है एक तो सामान आपको लेटेस्ट मिलेगा ये मानते हो सर दूसरा क्या है सामान लेटेस्ट मिलेगा स्टोर करने की कॉस्ट मेरी कम रहेगी छोटे से कंटेनर में स्टोर जो है कर सकते हैं अगर कंटेनर भी खरीदना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सर छोटे से कंटेनर में काम जो है मेरा जो है हो जाएगा पर नुकसान क्या है डेली मेरे को जाना पड़ेगा तो डेली आने जाने की कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक एम्प्लॉयी चाहिए वो कॉस्ट मेरी इंकर जो है मेरी होती है ठीक है तो इसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान सर अगर बल्क में लेते हैं अगर बल्क में लेते हैं तो सर एक तो सर बल्क में क्वांटिटी डिस्काउंट भी मिलता है सर छोटी सी बात है वन वन के लेंगे महंगा मिलता है अगर मैं बल्क में लूंगा तो शायद ट्वेंटी थर्टी फोर्टी परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा ये बात मानते हैं बल्क में जितना ज़्यादा लोगे उतना डिस्काउंट मिलता है तो सर बल्क में लेंगे तो सर डिस्काउंट हमें जो है मिल जाएगा ये बात भी पक्की है सर बल्क में लेंगे आने जाने का खर्चा खत्म हो गया एक ही बारी में गए ट्रक भर के जो है हम लेकर जो है आ गए ये भी हमें फ़ायदा हुआ पर सर तीन हज़ार छः सौ पचास के जी स्टोर करना सर मुझे शायद एक पूरा गोडाउन लेना पड़ेगा तो सर गोडाउन का रेंट भरना पड़ जाएगा मुझे सर अगर तीन हज़ार छः सौ पचास के जी लेता हूं तो सर उसको मेरे को प्रिजर्व भी करना पड़ेगा अगर ई टेबल्स हैं कोई चूहा आ गया सारा गड़बड़ हो गया अगर मेरी पेपर फैक्ट्री है चूहे ने अगर कुतर दिया सारा गड़बड़ हो जाएगा तो सर बल्क को स्टोर करने की कॉस्ट भी अपनी जो है हो जाती है सर फिर अगर गोडाउन लूंगा तो कैपिटल ब्लॉक हो रही है सर कैपिटल ब्लॉक हो रही है अगर मैं गोडाउन नहीं लेता उस पैसे को बिजनेस में या एफ डी इंटरेस्ट लूज कर रहा हूँ बात समझ आती है तो कुल मिला के अगर समझ आया इन्वेंट्री में तीन चीजें मैटर करती हैं भाई एक परचेज कॉस्ट परचेज कॉस्ट तो मैंने कहा अगर मैं एक एक लेता हूं कॉस्ट टोटल में ज्यादा पड़ जाएगी बल्क में लेता हूं क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा एक तो परचेज कॉस्ट मैटर करती है दूसरा हमने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट मैंने कहा हर बार ऑर्डर करने की कॉस्ट मेरी जो है लग रही है वो मैटर करती है और तीसरा क्या है स्टोरेज कॉस्ट बात समझ आती है तो मुझे अब सोच के बाद मुझे कौन सी कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए अभी मुझे वो क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए जब इन तीनों का सम टोटल करें वो क्या बन जाए टोटल कॉस्ट वो मिनिमम आ जाए भाई सीधी सी बात है मैं उस लेवल पर आ जाऊं जहां मुझे बल्क डिस्काउंट भी मिल जाए पर मेरी जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमम आ जाए और मेरी स्टोरेज कॉस्ट भी मिनिमम आ जाए तो अगर टोटल कॉस्ट मेरी मिनिमम हो गई वो क्वांटिटी बेस्ट है मैं क्वालिटी खराब नहीं कर रहा मैं वही सेम आटा सेम क्वालिटी का लेना चाह रहा हूं पर टारगेट मेरा है कि इस क्वांटिटी पर लो जैसे आपके आटे की बात करें वन के जी का प्राइस भी होता है फाइव के जी का पैकेट भी होता है टेन के जी का भी होता है ट्वेंटी के जी का भी होता है सबके प्राइस अलग होते हैं तो मुझे वन के जी फाइव के जी टेन के जी ट्वेंटी के जी या फिफ्टी के जी हंड्रेड के जी कौन सा पैकेट खरीदना चाहिए वो मुझे आज की क्लास में थोड़ा सा जो है आपको समझाना कंफर्टेबल है तो एक बार जितना समझा उसी को जो है लिख लेते हैं लो जी ऑनलाइन uh, भी बच्चे कह रहे हैं सर बल्क लेंगे तो डिस्काउंट जो है मिल जाएगा uh, ज़्यादा क्वांटिटी सस्ती जो है हमें जो है पड़ जाती है और बच्चा पूछ रहा है सर सारी बात अलग है कल क्लास होगी कि नहीं होगी है ना लाइक अभी क्लास मैंने शुरू करे बच्चा पूछ रहा संड़े है कल बेटा संडे है संडे एंजॉय करना ठीक है हमारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे जो है रहेंगी संडे या तो ऑफ होगा या आपका मॉक टेस्ट जो है रहेगा तो अभी तो शुरुआत करिए तो एक दो संडे आपको छोड़ेंगे उसके बाद फिर संडे क्या होगा आपके मॉक टेस्ट जो है हो जाएंगे ठीक है चलो तो भाई जितना पढ़ाया उसी पर जो है आ जाते तो भाई लिखे हाँ जी हमारे टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो भाई हमारे टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसको शॉर्ट में कहते हैं ई e क्यू अभी तक का ट्रेंड यही है हर अटेम्प्ट में पांच नंबर का सवाल आते ही आते तो भाई अभी तक का ट्रेंड यही है क्योंकि एक नया टॉपिक है तो पांच नंबर का सवाल नॉर्मली आई से हर अटैम्प में जो है पूछता ही पूछता है तो भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी शब्दों पर जाए कितनी क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी अपन ऑर्डर करें वन के जी फाइव के जी टेन के जी ट्वेंटी के जी जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाए इकनॉमिकल जो है हो जाए अभी कॉस्ट में मुझे कुछ नहीं बनाना कितनी क्वांटिटी मैं ऑर्डर करूं कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करूं क्या मेरा ऑर्डर साइज़ होना चाहिए जिससे मेरी कॉस्ट क्या हो जाए इकोनॉमिकल जो है आ जाए क्वालिटी सेम रखेंगे मैं सेम जो आटा मुझे खरीदना है मैं सस्ता आटा लेना नहीं चाह रहा मैं वही आटा लेना चाहता हूं पर, उस आटे पर मैं बल्क डिस्काउंटा मैं तो मैंने कहा कितनी क्वान्टिटी हम ऑर्डर करें कि मेरी कॉस्ट क्या पड़ जाए इकोनॉमिकल जो है हमारी पड़ जाए कंफर्टेबल है तो लो जी लिखते हैं कह रहे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी आखिर क्या है इट इज द्वानिटी या द्वांटिटी दि क्वान्टिटी द क्वान्टिटी विच द क्वान्टिटी विच इफ ऑर्डर्ड अब ऑर्डर करो या ना करो तो बात की बात है हा अगर आप ऑर्डर करते हैं द क्वान्टिटी विच इफ ऑर्डर्ड रिजल्ट इन लीस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट Least inventory cost is known as EOQ. तो भाई सिंपल सा टॉपिक है ई क्यू वो क्वांटिटी हम आज निकालना सीखेंगे अगर हम ऑर्डर करते हैं तो मेरी ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाए क्वालिटी सेम है पर मेरी ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो मिनिमम जो है हो जाएगी तो भी आगे बढ़ते हैं हमने कहा दी इन्वेंट्री कॉस्ट द इन्वेंट्री कॉस्ट इज टोटल ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। तो इन्वेंट्री कॉस्ट तीन कंपोनेंट्स का सम टोटल है कौन कौन से तीन पहला परचेज कॉस्ट तो भाई आटा जब खरीदोगे तो कितने रुपए का आटा आपको मिलेगा परचेज कॉस्ट सेकेंड हमारा है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट या हम बोल देते हैं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आटे को ऑर्डर करने की कॉस्ट अगर आटा लेने जाएंगे तो भी आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कितनी जो है हो जाएगी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं दैट इज कॉस्ट एसोसिएटेड कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेज ऑर्डर विथ परचेज ऑर्डर ऑफ मटीरियल तो मटेरियल को जब भी खरीदते हैं तो हमारी कॉस्ट कौन कौन सी लगती है फॉर एग्जाम्पल example, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं पहला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब भी आटा लेने जाएंगे तो हम बाई कार जाते हैं तो भी पेट्रोल का खर्चा मेरा जो है होगा तो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉमा इंस्पेक्शन कॉस्ट तो भाई हमारी तो एमएनसी है तो जब भी सामान आता है हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं सैंपल बेसिस पर टेस्ट करते हैं क्या ये क्वालिटी सेम आई कि नहीं जो है आई है तो जब भी चाहे वन के लाओ चाहे टेन के लाओ उसमें कुछ सैंपल लेके टेस्ट कर लेते हैं हाँ आटा वो ही चाहिए था जो हमने मंगाया है तो इंस्पेक्शन कॉस्ट हमारी लगती है कॉमा डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट लाइक परचेज ऑर्डर लाइक परचेज ऑर्डर कॉमा कॉस्ट टू इनवाइट टेंडर्स कॉस्ट टू इनवाइट टेंडर्स एटसेट्रा और सर हमारी तो एमएनसी है तो सर जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो सर उसके लिए तो क्या है पहले हम टेंडर्स मंगवाते हैं सर हमारा छोटा मोटा काम नहीं हम तो टन्स में सामान खरीद रहे हैं सर टन्स में सामान खरीद रहे हैं तो हमारे जितने सप्लायर्स हैं सबसे पूछते हैं हाँ भाई अब हमें मेटल चाहिए हमें ब्रास चाहिए बताओ जी क्या रेट जो है आप दोगे सबके साथ नैगोसिएशन होती है सबके साथ मीटिंग्स होती है मीटिंग के बाद फिर हम परचेज़ ऑर्डर जो है फाइल करते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसके बाद फिर सामान जो है हमारा जो है आता है तो हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ है ऐसा नहीं कि हम सीधा मार्केट चले गए सामान लेकर जो है आगे तो हमारा सर हर बार ऑर्डर करने की कॉस्ट होती है हर बार हम सिलेक्ट करते हैं इस बार मार्केट में हमें सेम क्वालिटी क्योंकि सर हर महीने नए सप्लायर्स आते हैं कई सप्लायर चले जाते हैं हर महीने प्राइस ऊपर नीचे होता है तो जब भी मुझे सामान खरीदना है तो सर हमारा एक पूरा एक प्रोसेस रहता है हम सारे सप्लायर को बोलते हैं सर इस बार हमें पांच हजार टन का सामान खरीदना है पता हो क्या आप कोटेशन दोगे सर सबकी कोटेशन आती है फिर बोर्ड मीटिंग होती है फिर डिस्कस करते हैं फिर हम रिवाइज करते हैं वो ऑफर देते हैं हम काउंटर ऑफर देते हैं फिर ऑफर देते हैं काउंटर ऑफर सर पूरा प्रोसेस एक महीने का चलता है उसके बाद फिर हम ऑर्डर जो है करते हैं तो अगर ऐसा सिस्टम है तो सर हर बार बोर्ड मीटिंग बुलाना है सारे डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस हमें देनी पड़ती है हर बोर्ड मीटिंग का हमारा खर्चा खर्चा जो है होता है है होता होता सर जितनी रही बहुत खर्चा होता है। तो सर हर बार का एक ऑर्डर करने का पंद्रह बीस हजार का खर्चा तो सीधा सीधा जो है हो जाता है कंफर्टेबल है तो हमने कहा जब भी आप ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर करने में क्या क्या कॉस्ट आपकी लगती है वो सारी एक साथ जो है आ जाएगी लो जी ऐसे ही फिर थर्ड और सर जब सामान आ गया तो सामान को स्टोर करने की कॉस्ट सामान को होल्ड करने के कॉस्ट या सामान को कैरी करने के कॉस्ट हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट या फिर हम बोलते हैं स्टोरेज कॉस्ट या हम बोल देते हैं होल्डिंग कॉस्ट अब जो आटा हमने खरीदा उसको होल्ड करने की उसको स्टोर करने की उसको एक साल तक रखने की भी हमारी कॉस्ट जो है आ जाती है सर जो भी सामान खरीदा है सर उसको रखने की कॉस्ट भी हमारी है सर मैंने जब बल्क में सामान ख़रीदा तो सर कैपिटल भी तो मैं लगी अगर मैं सर अपना कम कम सामान खरीदता कम कैपिटल ब्लॉक होती बाकी पैसा मैं एफ में लगा देता सर मैं एक साथ तीन हज़ार सामान लेकर आया तो सर मेरी जो कैपिटल ब्लॉक हो गई सर मैं इंटरेस्ट भी तो लूज़ कर रहा हूँ सर वो सामान मैंने एक प्रेमाइस में रखा है सर वो प्रेमाइस में यूज़ नहीं करता मैं उसको किराए पर देता सर मेरा किराया भी तो मैंने लूज जो है कर दिया कहाँ तो छोटा सा कंटेनर था सर मैंने पूरा गोडाउन मेरे को बनाना जो है पड़ गया तो बल्क डिस्काउंट मिला पर सर मेरे को गोडाउन भी रखना जो है पड़ रहा है तो इस सामान को रखने की स्टोर करने की कैरी करने की भी अपनी कॉस्ट जो है मेरी जो है आ जाती। तो भाई लिख लो कह रहे हैं इट इज इट इज द कॉस्ट इट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इट इज दॉस्ट ऑफ होल्डिंग या कैरिंग मटीरियल इन स्टोर अब जब सामान आ गया है तो उसको स्टोर में रखने की कॉस्ट जो है आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई कॉस्ट ऑफ फंड इन्वेस्टेड कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड सर मैं जितना ज़्यादा सामान खरीदूंगा उतनी मेरी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी कैपिटल ब्लॉक होती है मैं इंटरेस्ट लूज जो है मैं करता हूँ या हो सकता है मुझे लोन पर जो है मुझे सामान खरीदना पड़ा तो एक्चुअल इंटरेस्ट या नोशन इंटरेस्ट दोनों जो है हम लेकर चलते कॉमा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और सर स्टोर करने की भी अपनी कॉस्ट होती है अगर इटेबल्स हैं कोई चूहा ना आ जाए प्रिजर्वेटिव हमें जो है मे भी रखने पड़ेंगे चूहे दानी जो है मे भी रखनी पड़ेगी तो सर जो भी सामान रखते हैं उसकी भी अपनी कॉस्ट है अगर मैं लकड़ी रखता हूँ उस पर दीमक ना लग जाए तो सर मुझे दीमक की पेस्टिसाइड्स करानी पड़ेगी तो सर जो भी सामान मैं रखता हूँ उसको रखने की भी अपनी कॉस्ट है कहीं सामान चोरी ना हो जाए तो मेरे को ताले भी जो है लगवाने पड़ेंगे ताला भी मुझे खरीदना जो है पड़ेगा तो उसके हिसाब से सर मुझे स्टोर करने की भी अपनी कॉस्ट जो है मेरी रहती है फिर आगे लिखें इंश्योरेंस कॉस्ट और सर जितना सामान रखूंगा इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है सर जितना ज्यादा सामान उतना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा जितना कम सामान है उतना प्रीमियम मुझे कम पे जो है करना जो है पड़ेगा ऐसे ही कॉस्ट और सर सामान पड़े पड़े खराब भी होता है सामान पड़े पड़े खराब भी जो है हो जाता है बिल फ्रेज भी होता है सर सामान अगर ज़्यादा हो चोरी होने के चांसेस भी ज़्यादा जो है होते हैं सामान अगर ज़्यादा हो वेस्टेज के चांसेस भी ज़्यादा जो है वो रहते हैं जब सामान कम होता है हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं सामान जब एक्स्ट्रा हो जाता है हमारी वेस्टेज जो है बढ़ जाती है तो सर जितना ज़्यादा सामान रखोगे तो वेस्टेज भी होगी ऑप्सोल्यूट भी होगा चोरी भी होगा ये सारी चीज़ें जो है आ जाएंगी एटसेट्रा ठीक है जी आई होप ये बात समझ आई तो भी कुल मिला के अगर मेरे को आटा खरीदना है तो भी तीन कॉस्ट मेरी लगती है पहला जो आटा खरीदना है उसकी कॉस्ट वो तो सीधी सीधी है और सेकंड मेरा क्या है आटे को खरीदने समय ऑर्डर करने की मेरी कॉस्ट जो है मेरी लगती है और आटे को रखने की कॉस्ट जो है मेरी जो है हो जाती है कंफर्टेबल है पहले तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो यहां तक ठीक चल रहा है चलो फिर यहां पर एक चीज और लिख लें बॉक्स में लिख लें कह रहे हैं कैरिंग कॉस्ट या स्टाम कर लो कैरिंग कॉस्ट अब आपके अकेडमिक्स पर आ जाए आपके एग्जामिनेशन पर आ जाए तो कैरिंग कॉस्ट इज जर्नली इज जर्नली परसेंटेज इज जर्नली अ परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस तो भी आपके पेपर में क्योंकि ये सब चीजें आपको निकालनी होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है कैरिंग कॉस्ट कितनी है तो भी पेपर में नॉर्मली देखा गया और रियलिटी में भी देखा गया जो कैरिंग कॉस्ट है वो नॉर्मली परचेज प्राइस का एक परसेंटेज जो है वो नॉर्मली जो है एमएससी निकाल लेती है भाई परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस उसको थोड़ा समझते हैं भाई जो सामान महंगा है उसको स्टोर करने की कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो सामान सस्ता है जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो उनको क्या चाहिए होता है उनको सीमेंट भी रखनी होती है ब्रिक्स भी रखनी होती है सैंड भी रखना होता है मार्बल भी जो है रखना होता है अब आप सोच के बताओ आपके पास ईटे हैं आपके पास रेता पड़ा है सीमेंट है मार्बल है तो आप खुद सोच के बताओ वो जो बिल्डर है वो किस पे ज्यादा सिक्योरिटी रखता है किस पे ज्यादा स्टोरेज करता है मार्बल और सीमेंट पे क्यों वो सामान महंगा है उसको चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनको थोड़ा सा वो सेफ रखता है और ईंटों की बात करें वो तो भारी छोड़ देता है रेते की बात करें भारी पड़ा तो भी एक छोटी सी बात है जो सामान जितना महंगा होगा उस पे स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लगती है तो हो सकता है मार्बल गोडाउन के अंदर होगा और ईंटे बाहर सड़क पर जो है पड़ी है ज्वेलरी की बात करें ज्वेलरी में आपके जितने भी ज्वेलर्स होते हैं उनके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी होती है उनके पास डायमंड प्लेटिनम ये भी जो है होता है अब बताओ सेफ लॉकर में अब लॉकर सेफ लॉकर बहुत महंगा आता है उसमें वो डायमंड गोल्ड रखते होंगे या आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखते होंगे डायमंड गोल्ड क्यों वो सामान महंगा है तो जो सामान महंगा होता है उनको सेफ लॉकर में रखा जाता है और जो सामान सस्ता है उसको नॉर्मली स्टोर में कॉस्ट कम जो है लगती है तो इस इसके मार्केट में एक ट्रेंड है कि परचेज प्राइस जो सामान जितना महंगा होगा उस पर स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगी जो सामान जितना सस्ता होगा उस पर स्टोरेज कॉस्ट कम होगी जो सामान महंगा है उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होती है जो सामान सस्ता है उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम कम जो है होती है और डेफिनेट जो सामान महंगा

तो भाई अब कुछ फॉर्मले आप ही से बनाना मैं शुरू करता हूं तो भाई अब हमें तीन कॉस्ट पहले चाहिए परचेज कॉस्ट अपन निकालेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट और फिर क्या करना है टोटल कॉस्ट निकालेंगे टोटल कॉस्ट क्या होती है इन तीनों का सम जो है हो जाता है तो लो जी शुरू करें तो भाई आप मुझे बताएं पहला फॉर्मूला खुद ही बनाना शुरू करना वेयर एनुअल परचेज कॉस्ट लो जी, एनुअल परचेज कॉस्ट तो भाई एनुअल परचेज कॉस्ट क्या फॉर्मूला होगा भाई मेरे को हर दिन वन के जी आटा कंज्यूम करने पूरे साल का कितना हो गया तीन सौ पैंसठ के जी आटा हो गया तो भाई मेरी एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी होगी एनुअल क्वांटिटी कितनी है तीन सौ पैंसठ मल्टीप्लाय परचेज नेट परचेज प्राइस भाई नेट जो डिस्काउंट के बाद नेट प्राइस मेरे को पड़ेगा वो मेरी परचेज कॉस्ट हो जाएगी तो देखिए एनुअल एनुअल क्वांटिटी परचेज एनुअल क्वांटिटी परचेज मल्टीप्लाई बाय नेट परचेज प्राइस नेट परचेज प्राइस पर यूनिट तो भाई अगर वन वन के जी लेंगे में भी शायद बीस रुपए पर के जी पड़ेगा अगर हम बल्क में लेंगे तो बीस के वो शायद अट्ठारह दे देंगे तो भी नेट प्राइस क्या पड़ा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाये हमने पूरे साल कितनी क्वांटिटी खरीदी ये मेरा क्या आ जाएगा एनुअल परचेज कॉस्ट जो है आ जाएगा लो जी ऐसे ही अब नेक्स्ट सोच के बताओ हमने कहा एनुअल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट Annual ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे तो भाई पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे मैंने कहा हम एक बार भी ऑर्डर करते हैं तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट कुल मिला के मान लो हजार रुपये मेरे जो हैं पड़ जाते हैं तो मैं एक बार भी ऑर्डर करूँगा तो हज़ार रुपये मेरा ऑर्डर का जो है कॉस्ट जो है पड़ता है तो बताओ पूरे साल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लीज इन अ ईयर मल्टीप्लाय बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लॉजिकल सी बात है तो मेरी पूरी कोशिश कौशि, कोशिश वही रहेगी भी पूरे इस आपके सिलेबस में सारे फॉर्मले आप खुद ही बनाओगे सारे फॉर्मले खुद बनाते जाओगे आपको फॉर्म कभी भी याद करने की जरूरत जो है नहीं पड़ेंगे इस ये बहुत लॉजिकल है और एजुकेशन भी लॉजिकल है लॉजिकली आप सोचते जाओ सारे फॉर्म कुछ फॉर्मले में हाँ मेरी हेल्प चाहिए होगी पर मोस्टली नाइन्टी नाइन परसेंट फॉमले मुझे बता आप खुद ही जो है बना लोगे लो जी तो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो आपने कहा सर सीधी सी बात है हमने कहा टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेसड इन ईयर पूरे साल कितने ऑर्डर प्लेस करें अगर मैं डेली ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो तीन सौ पैंसठ ऑर्डर जो है हो जाएंगे अगर मंथली ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं तो बारह ऑर्डर हो जाएंगे अगर एनुअल ऑर्डर एक ही ऑर्डर होगा तो पूरे साल कितने ऑर्डर मैंने प्लेस करे मल्टीप्लाई मेरा क्या हो जाएगा कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट मेरी कितनी जो है मेरी पड़ती है ये भी इजी है कंफर्टेबल चल रहे हैं चलो अब मैं आपसे अगर और पूछूं पूरे साल आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे क्या ये फॉर्मूला बना पाओगे एक बार कोशिश करो हमने कहा नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन ईयर अब आराम से सोचो आप पूरे साल कितने ऑर्डर प्लेस करोगे तो भाई पहले क्या भी पूरे साल की रिक्वायरमेंट कितनी है सोचो अब सोच के बताओ पूरे साल मान लो मुझे एक हजार मेरे को के चाहिए पूरे साल मुझे एक हजार के मुझे चाहिए एक हजार के चाहिए और अब आप सोच के बताओ अगर मैं अगर मैं एक के खरीद कर लाता हूं अगर मैं एक के ही खरीद कर लाता हूं तो बताओ कितने ऑर्डर प्लेस करूंगा एक हजार क्यों आपने कहा हजार आपको चाहिए डिवाइड बाय वन के जी आप लेकर आ रहे हो तो हजार ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे अच्छा मैं एक बारी दो के जी लेकर आता हूं तो पांच सौ ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे अगर मैंने कहा मैं दस के जी एक बारी में लेकर आता हूं सौ ऑर्डर तो भाई कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे हो सर छोटी सी बात है पूरे साल की कितनी रिक्वायरमेंट है डिवाइड बाय आपका ऑर्डर साइज क्या है ठीक है तो लिख लो हमने कहा एनुअल annual purchase requirement annual purchase requirement divided by order size आपने जो भी ऑर्डर साइज डिसाइड करा 1 kg 10 kg 5 kg 2 kg तो भाई सीधी सी बात है पूरे साल में जितना आपको चाहिए आपको पूरे साल में एक हजार के अगर आपको चाहिए और आपने डिसाइड किया मैं एक बारी में मैं दस के लेकर जो है आता हूं आपको पूरे साल हजार चाहिए एक बारी में दस लेकर आता हूं तो इसका मतलब सौ ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे हर ऑर्डर में दस के लेकर आओगे हजार के जो है आपका हो जाएगा आपने कहा मैं एक बारी में हजार के लेकर आऊंगा तो इसका मतलब एक ही ऑर्डर प्लेस करोगे एक ही ऑर्डर में काम जो है हो जाएगा कंफर्टेबल चल रहा है यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो Easy चल रहा है तो एक बार फॉर्मुले पे चेक कर लो पहला फॉर्मूला क्या है एनुअल परचेज कॉस्ट वो कैसे निकलेगी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है मल्टीप्लाई बाय नेट परचेज प्राइस नेट परचेज प्राइस वो हम निकाल लेंगे ये मेरी क्या हो जाएगी एनुअल परचेस कॉस्ट दूसरी मेरी कॉस्ट क्या है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट वो क्या होगा भी कितने ऑर्डर प्लेस करोगे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कॉस्ट पर पर ऑर्डर 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 आपने निकाला कितने प्लेस करें और कितने ऑर्डर प्लेस करोगे भाई मेरे को कितनी रिक्वायरमेंट है और मेरा ऑर्डर साइज कितना है उसके हिसाब से नंबर ऑफ ऑर्डर भी मेरे जो है आ जाएंगे ठीक है जी यहां तक सब मस्त चल रहा है चलो जी अब एक फॉर्मुला मेरे को सिखाना पड़ेगा चलो जी इस बात को चेक करें नेक्स्ट एनुअल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट या एनुअल कैरिंग कॉस्ट तो भाई अब आते एनुअल होल्डिंग कॉस्ट या एनुअल कैरिंग कॉस्ट इसका फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है इसको समझते हैं तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट फॉर्मूला बना कह रहे एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर एवरेज स्टॉक हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाय बाय होल्डिंग कॉस्ट मल्टीप्लाय बाय होल्डिंग कॉस्ट ऑफ ध्यान से लिखना वन यूनिट फॉर वन ईयर और लिख लें वेयर एवरेज स्टॉक वेयर एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर्ड डिवाइडेड बाय टू क्वांटिटी ऑर्डर्ड डिवाइडेड बाय टू लो जी और यहां पर एक और लिख लें स्टाम कर इट इज प्रिज्यूम्ड ये फॉर्मूला थोड़ा सा Presumption based aim it is presumed that the usage that the usage of material is uniform throughout the year uniform throughout the year. तो हमने सिंपल एवरेज बेसिकली यूज़ करा है वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं पर क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं का अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते आपको पहले इजी शुरू करते हैं एक बार समझ आ गया तो वेटेड एवरेज आप खुद ही जो है आप ले लोगे तो भाई एवरेज सिंपल एवरेज भी होता है वेटेड एवरेज भी होता है आप सबने फाउंडेशन में ये पढ़ा हुआ है एवरेज कैसे जो है निकालते तो भाई सिंपल एवरेज से हम क्लास की शुरुआत जो है करते हैं और आपके इंटरमीडिएट में यही फॉर्मूला आते हैं पर हाँ रियल लाइफ में तो वेटेड एवरेज जो है यूज़ करते हैं पर वो आपके कोर्स का पार्ट जो है फिलहाल नहीं है ठीक है जी तो भी अब इस बात को एक बार समझना भाई सामान को रखने की कॉस्ट सामान को कैरी करने कॉस्ट ये फार्मूला आखिर कैसे जो है बना है तो पूरा ध्यान बोर्ड पर जो है एक बार आप रखना और इसको ऐसे मानते मान लीजिए आई एम वुडन ट्रेडर मैं लकड़ियों में डील जो है मैं करता हूं ठीक है तो एक वुडन ट्रेडर का एग्जाम्पल शायद आपके माइंड में जो है थोड़ा सा क्लियर होगा तो एक जो वुडन ट्रेडर है जो लकड़ियों में डील करता है तो लकड़ियाँ में उसको एक डर क्या रहता है इसमें अगर दीमक लग गई सारा खत्म हो जाएगा ठीक है तो लकड़ियों में सबसे डर होता है अगर दीमक लग गई तो सारी लकड़ियां जो है वेस्ट जो है आपकी हो जाएंगी ठीक है तो जो वुडन ट्रेडर है उसके बिजनेस को समझते हैं तो उसको एक डर क्या है कि मैं जितनी ज़्यादा लकड़ियां ला रख लूंगा गोडाउन में मेरे को क्वान्टिटी डिस्काउंट तो मिलेगा पर डर वही है अगर लकड़ियों में दीमक लग गई ये सारी लकड़ियां जो है वेस्ट हो जाएंगी इसलिए उनकी पॉलिसी क्या है रात को जब भी अपना वो फैक्ट्री गोडाउन शटर डाउन करते हैं वो एक स्प्रे सारे बोर्ड पर लगाते हैं पूरा छिड़काव जो है स्प्रे का कर देते हैं कि भी दीमक जो है वो लकड़ियों पर ना आए ठीक है इसको ऐसे मान लें तो डेली उनका सिस्टम क्या है जितनी लकड़ियों के प्लांक्स या बोर्ड पड़े होंगे हर बोर्ड पर वो स्प्रे कर फिर शटर डाउन जो है कर करते सुबह अपनी लकड़िया बेच रहे हैं शाम को जितनी लकड़ियां बच जाएंगी भाई उस पर क्या करेंगे स्प्रे करके शटर डाउन जो है वो करेंगे ठीक है तो आपके लेवल पर थोड़ा सा ईजी रखता हूं पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना पूरा ध्यान एक बार बोर्ड पर रखना तो मान लेते हैं इस वुडन ट्रेडर के पास चार बोर्ड पड़े हैं ठीक है वुडन बोर्ड होते हैं जो आगे जो है सेल होते हैं तो चार बोर्ड इनके पास जो है मान लीजिए पड़े ठीक है जी और स्प्रे करने की कॉस्ट स्प्रे करने की कॉस्ट मान लेते हैं रुपीज पर बोर्ड तो भाई स्प्रे करने की कॉस्ट क्या है तीन रुपए पूरे बोर्ड पर स्प्रे करते तीन रुपए का स्प्रे जो है वो पड़ता इतनी बात क्लियर है तो आज शाम को जब शटर डाउन कर रहे थे तो मुझे बता सकते हो स्प्रे की कॉस्ट कितनी आई आपने कहा सर बारह रुपए तो आज बारह रुपए उन्होंने खर्च करे शटर अपना डाउन किया सुबह अपनी दुकान जो है खोली अब डेली सामान बिकता भी है यूनिफॉर्म मानते हैं मैंने कहा यूनिफॉर्म मानते हैं अब यूनिफॉर्म आप चाहो एक एक मान लो चाहे दो दो मान लो जैसा आपका मन करे तो एक बार एक मान लेते हैं भी आज एक बोर्ड मेरा सेल जो है हो गया तो शाम को कितने बोर्ड रह गए तीन तीन पे स्प्रे करूंगा कितने रुपए नौ रुपए फिर अगले दिन फिर मैंने शटर खोला यूनिफॉर्म मानते हुए तो अगर कल एक काम आज भी एक बिकेगा तो मैंने कहा भाई दो बोर्ड जो है मेरे रात को बच गए एक बोर्ड मैंने बेचा शाम को दो रह गए तो दो पे कितने रुपए लगे छः उसके अगले दिन फिर शडर खोला एक बोर्ड मेरा फिर जो है बिक गया रात को एक बोर्ड बचा तीन रुपए जो है रहे अगले दिन फिर मेरा एक बोर्ड था वो बिक गया अगले दिन एक बोर्ड था वो बिक गया तो शाम को मुझे कोई स्प्रे करने की जरूरत जो है नहीं पड़ी और सीधी सी बात है सामान बिक गया मैंने ऑर्डर भी कर दिया होगा नेक्स्ट डे मेरे पास फिर से चार बोर्ड मेरे पास जो है आ गए नेक्स्ट डे फिर से मेरे पास चार बोर्ड जो है मेरे आ गए और वही चार <coughs> तीन दो एक जीरो मैंने कहा बारह रुपये नौ रुपये छह रुपये तीन रुपये जीरो रुपये यूनिफॉर्म मेरा काम जो है चल रहा है ठीक है जी क्या ही बात समझ आती है तो हमने कहा यूनिफॉर्म मेरा काम चल रहा है और मैं आपको कह रहा हूँ भी मेरी ये स्प्रे की पूरे साल की कॉस्ट निकालनी है मैंने कहा पूरे साल की बताओ मेरी स्प्रे की कॉस्ट कैसे आई तो कैसे निकालोगे बारह प्लस नौ प्लस छह प्लस तीन प्लस जीरो प्लस बारह छी जीरो सारा कर लो या फाउंडेशन में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया था तो हम क्या करें भाई एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस सीरीज बन रहा है तो आपने कहा सर पहली बात तो ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है तो सर हम क्या करें अब ध्यान से देखना सर बारह प्लस नौ प्लस छ प्लस तीन प्लस जीरो एक दो तीन चार पाँच सर पाँच दिन की इतनी टोटल कॉस्ट है पाँच दिन की टोटल कॉस्ट है कंफर्टेबल है सर ये पाँच दिन की कॉस्ट है मुझे कभी निकालनी है तीन सौ पैंसठ दिन की कैसे निकालूंगा सर पाँच दिन की कॉस्ट है तो एक दिन की कॉस्ट कितनी डिवाइड बाय फाइव पर डे मल्टीप्लाई बाय तीन सौ पैंसठ एनुअल कॉस्ट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है तो सर सीधी सी बात है मैंने पांच दिन की कॉस्ट निकाली डिवाइड बाय किया पर डे कॉस्ट आ गई मल्टीप्लाई बाय साल की कॉस्ट मेरी मेरी जो है मेरी आ गई ये बात भी क्लियर है लो जी अब थोड़ा सा ध्यान से आप चेक करो अब चाहो तो इसको सिंपल प्लस कर लो नहीं तो एपी सीरीज बन रही है एपी सीरीज आपके सामने है और एपी सीरीज का फॉर्मला फाउंडेशन में आप सबने पढ़ा होगा याद है अब भूल गए हो याद है जो फाउंडेशन पढ़ा था सब कुछ मेरे को इंटर में जो है चाहिए तो भाई एपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू एन बाई टू का मतलब फाइव बाई टू इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भाई इस का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी या फिर एन बाई टू इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्स यहाँ भी क्लियर है ध्यान से चेक करो ये मेरा हमेशा कैंसिल होगा क्योंकि पांच टर्म्स है तो डिवाइड बाय फाइव मैंने किया कि पर डे निकालना है ऊपर सिक्स बाय टू करता अगर सेवन टर्म्स होती तो सेवन बाय टू करता और मुझे पर डे निकालना है ये हमेशा कैंसिल होगा यदि बात क्लियर है ध्यान से आप चेक करो लास्ट में जीरो आ रहा है ये हमेशा एड करके इतने आएगा कुल मिला के जो मेरे को समझ आया भाई ये जो 12 है ये 12 डिवाइड बाय 2 जो है हमने किया जो जो फर्स्ट टर्म की जो कॉस्ट है बेसिकली मैं उसको डिवाइड बाय 2 जो है कर रहा हूं उसको मैंने डिवाइड बाय 2 जो है मैंने किया तो मैं ये कितना आया सिक्स इंटू में थ्री सिक्सटी फाइव इतनी बात तो क्लियर है सिक्स इंटू में थ्री सिक्सटी फाइव ये मेरा आया और मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया सिक्स को मैंने लिखा टू इंटू में थ्री इंटू में थ्री सिक्सटी फाइव ठीक है जी अब ध्यान से चेक करो थ्री सिक्सटी फाइव क्या है ये तो साल मेरा ये थ्री क्या है स्प्रे की कॉस्ट थ्री क्या है स्प्रे की कॉस्ट मैं स्प्रे एक दिन करता हूं तो तीन रुपए मेरा स्प्रे जो है पड़ता है और इस टू को मैं एक बार लिख देता हूँ फोर डिवाइडेड बाय टू इस टू को मैं क्या लिख रहा हूं फोर डिवाइडेड बाय टू अब इसको आराम से समझेंगे टू को मैंने क्या लिखा फोर डिवाइडेड बाय टू और ये फोर क्या है मेरी क्वांटिटी मैं चार क्वांटिटी ऑर्डर करता हूं तो फोर डिवाइडेड बाय टू जो है ये मेरा जो है हमेशा आएगा एक दो एग्जांपल करेंगे और समझ जो है आएगा और दूसरा अब ध्यान से चेक करो तो मैंने कहा मेरा जो एवरेज स्टॉक है जो मेरा एवरेज स्टॉक है वो क्या है क्वांटिटी ऑर्डर्ड डिवाइडेड बाय टू तो ये मेरा फोर डिवाइड बाय टू ऐसे आया और अब ध्यान से चेक करो मेरा जो फॉर्मूला बना मैंने कहा पूरे साल मेरी स्प्रे की कॉस्ट कितनी पड़ी पूरे साल मेरी स्प्रे की कॉस्ट कितनी पड़ी हमने कहा भी ऑन एन एवरेज आपने कितनी क्वांटिटी रखी हमने कहा दो कभी चार कभी तीन कभी दो कभी एक कभी ज़ीरो तो ऑन एंड एवरेज भी कभी मैंने चार पर स्प्रे किया कभी मैंने स्प्रे नहीं किया कभी तीन पर स्प्रे करा कभी मैंने एक पर स्प्रे करा कभी दो पर स्प्रे किया तो ऑन एन एवरेज मेरा दो पे स्प्रे हर दिन हो रहा क्या ये बात समझ सकते हो जैसे मैंने एक बार चार पे स्प्रे करा तो एक दिन मैंने स्प्रे बिल्कुल नहीं किया एक दिन मैंने तीन पर स्प्रे करा एक दिन मैंने एक पर स्प्रे करा तो ऑन एन एवरेज मैं डेली दो पर स्प्रे जो है कर रहा हूं क्या ये बात समझ आती है और फिर चेक करो और मैंने कहा मैंने कहा स्प्रे की कॉस्ट कैसे निकाली मैंने कहा एक यूनिट अगर एक बोर्ड मैं पूरे साल रखूं एक बोर्ड अगर मैं पूरे साल रखू तो पूरे साल का खर्चा कितना होगा मैंने कहा एक बोर्ड को डेली मुझे तीन रुपए का स्प्रे करना पड़ेगा तो एक बोर्ड को पूरे साल का खर्चा कितना है थ्री इंटू में थ्री सिक्सटी फाइव आज मेरे को स्प्रे करने तीन रुपए अगर एक ही बोर्ड मेरे पास होता हर दिन तीन रुपए तीन रुपए तीन रुपए तीन रुपए तीन रुपए मुझे करने पड़ते तो पूरे साल का थ्री इंटू में थ्री सिक्सटी फाइव जो है मेरा हो जाता कुछ को बात समझ आती है एक बार 50 60 परसेंट ये फॉर्मूला जो है समझ आया होगा तो हमने कहा हमने, का, हमने का किया क्या हमने कहा भी एवरेज स्टॉक मैंने किया मल्टीप्लाई बाय मैंने कहा होल्डिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट फॉर वन कंप्लीट ईयर अगर मैं एक बोर्ड को पूरे साल रखता हूं तो हर दिन के तीन तीन रुपए करते हुए पूरे साल के थ्री इंटू और मल्टीप्लाई मैंने कितने बोर्ड रखे मैंने दो बोर्ड रखे ये दो, दो बोर्ड नहीं है मैं एक बार चार बोर्ड रख रहा हूं तो चार बार स्प्रे करूंगा एक बार मैंने स्प्रे नहीं किया तो दो दिन में कितने स्प्रे हुए चार ही तो स्प्रे हुए दो दिन में कितने स्प्रे चार एक दिन में कितने स्प्रे हुए दो ऐसी एक बार मैंने तीन पे स्प्रे किया एक दिन मैंने एक पे स्प्रे किया टोटल तो वही चार बना दो दिन के कितने स्प्रे हुए चार डिवाइड बाई टू जो है मैं कर रहा हूं तो मैंने कभी दोनों चीजें चल रही है कहीं मैं ज्यादा स्प्रे कर रहा हूं कभी कम स्प्रे कर रहा हूं ऑन एन एवरेज पर हम जो है हम चले यहां पे यूनिफॉर्मिटी थी मैंने सिंपल एवरेज लिया अगर आप कहते हैं सर सर सीजन ऑफ सीजन चलता है वेट एवरेज आप ले सकते हैं तो भी आई से आपको एक सोच दे रहा है मेरे को एवरेज मेरे को करना है ये बात समझ आ गई एवरेज करने का सिंपल तरीका बताया है डिवाइड बाय टू ये कब है जब यूनिफॉर्म है आपने कहा नहीं सर समर में ज्यादा होता है विंटर में कम होता है आप एक एवरेज निकाल लेना अपनी इंडस्ट्री का अपनी इंडस्ट्री का एवरेज जो है आप निकाल लेना और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने कहा अभी आपकी जो कॉस्ट एक यूनिट को पूरे साल रखनी कितनी जो है वो आपकी जो है पड़ जाती है कंफर्टेबल है इसी में अगर थोड़ा सा और चेंज करें अगर मैं चेंज करना चाहूं आराम से चेक करो मान लो यहां पर मैं पाँच रुपये कॉस्ट रख लेता हूं यहां मान लो मैं पाँच रुपये कास्ट रखू बताओ क्वांटिटी अब कितनी रखनी है क्वांटिटी एक बार छः कर लें आपके लेवल पर इजी हो जाएगा तो अगर छः क्वांटिटी से शुरू करते हैं तो आप मुझे खुद सोच के बताओ तो यहाँ पे क्या होगा छः पाँच चार तीन दो एक जीरो ऐसे चलेगा और मेरी अगर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पे बताओ पहले दिन कितने रुपए खर्च होंगे तीस रुपये पहले सिक्स इंटू फाइव उसके बाद कितना होगा 25 उसके बाद कितना होगा 20 करते 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 कितना होगा जीरो और चेक करो एक दो तीन चार पाँच छः सात मैंने कहा सात दिन की ऑन एन एवरेज करेंगे भाई 30 25 20 फिर क्या आएगा 15 10 5 और जीरो सात दिन की कॉस्ट यही पड़ेगी अब ध्यान से आप चेक करते जाओ अगर इसका जब मुझे सम करना है सेवन टर्म्स है मुझे क्या करना है इसको अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो सेम स्टोरी मेरी बनकर आएगी मैं क्या गाऊंगा 7 डिवाइडेड बाय 2 एन बाय 20 में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 7 2 में 365 7 से 7 हमेशा कैंसिल होगा ये लास्ट में हमेशा जीरो आ रहा है और ये 30 डिवाइड बाय 2 ये कितना आ रहा है 15 थर्टी डिवाइड बाई टू ये कितना आ रहा है पंद्रह और ध्यान से चेक करो इस पंद्रह को अगर मैं स्प्रेड करूं तो मैंने कहा थ्री सिक्सटी फाइव एज इट इज पंद्रह में पहले तो स्प्रे की कॉस्ट कितनी है पांच और ये तीन कैसा आया सिक्स डिवाइडेड बाई टू ये हमेशा जो है आएगा ये हमेशा ऐसी जो है फॉर्मूला बनकर जो है आ रहा है इतनी बात क्लियर है आराम से चेक करें फॉर्मुला यही बनकर जो है आता है अगर मैं इसको और चेंज करूं आपने कहा सर अब एक एक बोर्ड की जगह सर हम दो दो बोर्ड हम सेल करना चाहते हैं ठीक ऐसे कर लो आठ बोर्ड है पहले आठ कर लो आठ के बाद छ के बाद चार चार के बाद दो दो के बाद जीरो कोई भी यूनिफॉर्म ले लो आप दो दो ले लो तीन तीन ले लो चार चार ले लो कुछ भी ऐसा आप करना चाहें तो यूनिफॉर्मिटी जो है कर लेते हैं अब मुझे बताओ आठ बोर्ड है पहले खर्चा कितना चालीस रुपये फिर कितना तीस रुपये फिर कितना बीस रुपये फिर कितना आएगा दस रुपये फिर कितना आएगा ज़ीरो जो है आ जाएगा और अब ध्यान से फिर से आप चेक करें तो भाई अब मेरा क्या है अब सीधा शुरू करें तो भाई ये कितने टर्म्स हैं एक दो तीन चार पाँच फाइव डिवाइडेड बाय टू इन टू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये होगी पाँच दिन की कॉस्ट मेरे को पर डे चाहिए डिवाइड बाय फाइव करूंगा मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी फाइव करूंगा फाइव से फाइव हमेशा कैंसिल होना है ज़ीरो हमेशा खत्म होना है ये कितना आएगा ट्वेंटी इंटू में थ्री सिक्सटी फाइव और ध्यान से चेक करो थ्री सिक्सटी फाइव मेरी कॉस्ट इसको पांच लोगे ठीक है जी कितना रहा चार चार क्या है आठ डिवाइडेड बाय टू यूनिफॉर्म होना चाहिए चाहे यूनिफॉर्म एपी सीरीज बननी चाहिए एपी सीरीज अगर बन गई तो ये फॉर्मुला एपी सीरीज के बेसिस पर जो है आपका बना हुआ है कंफर्टेबल है तभी आपको फाउंडेशन में मैथमेटिक्स बहुत जरूरी था दैट इज अ बिजनेस मैथमेटिक्स जितना आपने मैथ्स में पढ़ा था सारे फॉर्मूले मेरे को आगे आपके सारे जो है यूज में आएंगे तो एपी सीरीज क्यों पढ़ा रही थी चक्कर में क्योंकि उनसे आगे के फॉर्मूले जो है आप यूज में जो है लेकर आ जाओगे कंफर्टेबल चल रहा है लो जी यहां तक सारी बात ठीक चल रही है और आगे बढ़े लो जी तो भाई इसी को अब आगे जो है बढ़ते हैं और मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला वो तो बहुत इजी सा लिखो जी टोटल टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अब आप ही मुझे बताओ हमने परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला सीख लिया ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सीख लिया कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सीखा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मिला क्या होगा टोटल परचेज कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट सिंपल तो भाई टोटल परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट ठीक है जी इसके बाद हम न्यूमेरिकल करना है तो एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करते दें फिर एक न्यूमेरिकल जो है अपन करते हैं और हमें करना क्या है जिस क्वांटिटी पर ये इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो गई वो मेरा क्या बन जाएगा ईओ क्यू जो है बन जाएगा तो आज की क्लास की शुरुआत हमने करी एक टॉपिक के साथ टॉपिक का नाम क्या है ईओ क्यू फुल फॉर्म क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पेपर में पांच नंबर का सवाल मतलब मैं हैरान हूँ पांच नंबर सवाल हर अटेम्प्ट में आता है ये बोनस है मतलब मैं देखो पूरा पूरा ही बोनस है आप हल्का सा पढ़ लोगे मतलब पता भी नहीं चलता सी ये कब जो है हो जाते बस कंसेप्ट को माइंड में जो है रखना देखो फॉर्मूले बहुत सारे पर मेरे को पता है अगर फॉर्मले समझ लोगे तो ईजी तो है फॉर्मली रट्टाफाई करोगे उलझ जाओगे तो भाई शुरू करते हैं ई ओ क्यू और वही कंसेप्ट से चले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. जब भी आए माइंड में क्या निकालना चाह रहे हैं एक ऐसा क्वांटिटी साइज एक ऐसी क्वांटिटी अगर हम ऑर्डर करें तो कॉस्ट मेरी क्या हो जाए इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल मतलब मिनिमम जो है आ जाए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी एक ऐसी क्वान्टिटी अगर मैं ऑर्डर करूँ मेरी कॉस्ट क्या आ जाए इकोनॉमिकल आ जाए

ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल कितने ऑर्डर करूंगा मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और पूरे साल कितने ऑर्डर करूंगा मेरी कितने रिक्वायरमेंट है हर बार कितने सामान खरीद कर लाता हूं उतने मुझे ऑर्डर्स जो है करने पड़ेंगे और लास्ट कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने कहा स्प्रे की कॉस्ट कितनी आ रही है तो मैंने कहा एवरेज स्टॉक एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय स्ट ऑफ वन यूनिट फॉर वन कंप्लीट ईयर कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट फॉर वन कंप्लीट ईयर जो है मेरा और एवरेज स्टॉक आपके लेवल पर अभी क्या सिखा रहे कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हो डि जो है हम लेकर चलते ठीक है जी आगे बढ़े चलो जी तो भाई अब इसको कराने के अब दो केसेस हमारे जो है बनेंगे केस ए और केस बी हमें जाना है केस बी पर पर केस बी को समझाने के लिए पहले मुझे केस ए जो है कराना पड़ेगा तो भाई केस ए में अभी हम मानकर चलते हैं कि मेरे को कोई बल्क डिस्काउंट नहीं मिल रहा पहले सिंपल सा करेंगे अब मुझे कोई बल्क डिस्काउंट नहीं मिल रहा पहले उसको समझेंगे वो अगर समझ आया फिर स्टेबल बढ़ाएंगे अगर बल्क डिस्काउंट भी मिले तो क्या स्टोरी जो है हो जाएगी ठीक है तो पहला कह रहे हैं परचेज कॉस्ट purchase cost is constant purchase cost is constant irrespective irrespective of units ordered तो भी पहला केस सिंपल सा शुरू करते हैं कि भाई मेरे को क्वांटिटी डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा तो ईओक्यू कैसे निकालेंगे वो अगर समझ आएगा तो फिर क्वांटिटी डिस्काउंट उसके बाद जो है हम लेकर शुरू करेंगे ठीक है जी तो भाई लिखे कह रहे इन सच केस इन सच केस अगर बल्क डिस्काउंट नहीं मिलता तो कह रहे बड़ी सिंपल सी बात है कह रहे ई क्यू ज दैट क्वांटिटी तो ईओ क्यू निकालना तो और आसान हो जाएगा इज दैट क्वांटिटी विच रिजल्ट इन विच रिजल्ट इन लीस्ट समोटल विच रिजल्ट इन लीस्ट सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट लीज समोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट तो भी एक एग्जाम्पल पहले मैं समझा देता तो हूं लिखना नहीं फिर एक एग्जाम्पल आप जो है सॉल्व करेंगे तो भी एक एग्जाम्पल सिर्फ एक बार समझाने ली कैसे हमें प्रोसीड करना है तो वही मान के चलो कि मेरे को टेन थाउजेंड के जीज रवि देखो मेरे को टेन थाउजेंड के जीज चाहिए मानो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है दस हज़ार के मुझे पूरे साल दस हज़ार के खरीदना है आपको परचेज प्राइस परचेज कॉस्ट अगर मैं आपको देता हूं रुपीज टेन पर के मैं आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार देता हूं पाँच सौ रुपये लिखना नहीं अभी पूरा एक सवाल आपको लिखवाऊंगा और अगर मैं आपको देता हूं कैरिंग कॉस्ट कैरियर रुपीज़ टू के जी ठीक है जी एक सिंपल सा कि भाई सामान को खरीदने की कॉस्ट कितनी है टेन रुपीज पर के जी ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है पांच सौ रुपए और सामान को रखने की कॉस्ट कितनी है दो रुपए पर के जी जो है रखना होगा और अगर मैं आपको कहूं कुछ ऑर्डर साइज मैं आपको दूंगा और मैं आपसे पूछ रहा हूं अगर हम पूरे दस हजार के जी अभी लिखना नहीं सिर्फ एक बार बोर्ड पर सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको पूरा क्वेश्चन दूंगा अगर पूरे दस हजार के जी हम एक बार में ऑर्डर करें तो मेरी कॉस्ट क्या रहेगी अगर पांच हजार ऑर्डर साइज रखें तो क्या रहेगा अगर दो हजार हम करें तो क्या रहेगा और अगर एक हजार करें तो क्या रहेगा और मेरे को निकालना है इनमें से बेस्ट क्वांटिटी क्या है तो भाई सिस्टम क्या रहेगा आप निकालोगे परचेज कॉस्ट फिर आप क्या निकालोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर आप क्या निकालोगे कैरिंग कॉस्ट फिर आप क्या निकालोगे टोटल कॉस्ट और जिस कॉस्ट पर आपका मिनिमम आ गया वो मेरा काम जो है हो जाएगा तो भाई अब ध्यान से सोच के बताओ साथ करेंगे अगर दस हजार के जी एक बारी में लेकर आया तो भाई मेरे को पूरे साल दस हजार चाहिए एक बारी में काम हो गया तो मेरी परचेज कॉस्ट कितनी बढ़ेगी एक लाख रुपए सीधी सी बात है आपने कहा दस हजार इंटू में दस ठीक है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे आपने कहा दस हजार के जी एक बार मिले आ, तो कितने ऑर्डर होंगे एक एक ऑर्डर पर कितने रुपए लगने पांच सो ऑर्डरिंग सामान को रखने की कॉस्ट अब आप क्या कहोगे ध्यान से देखो दस हजार दस हजार स्टॉक लाया यूज मेरा होगा डिवाइड बाय टू एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है दो रुपए ये कितना आ गया दस हजार टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपने कहा एक लाख दस हजार पांच सौ क्या ये कर पाओगे अच्छे से होगा ऐसे सेकंड मुझे बताओ अगर मैं पांच हजार का ऑर्डर साइज लेता हूं पूरे साल खरीदूंगा कितने दस हजार परचेज कॉस्ट कितनी आएगी एक लाख अब मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी हाँ जी कितना हजार हजार कैसे होगा अब ऑर्डर कितने दो दो ऑर्डर पांच सौ पांच सौ रुपए लगेंगे हजार रुपए और बताओ कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी आपने कहा पांच हजार रखोगे ऑन एन एवरेज डिवाइड बाई टू दो रुपए के हिसाब से ये कितना हुआ पांच हजार ये कितना आया एक लाख छ हजार इतम क्लियर है अगर मैं दो दो हजार पर चलू तो पूरे साल खरीदूंगा कितने दस हजार खरीदूंगा तो दस हजार तो एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी है वो तो अभी भी एक लाख नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे पांच तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी पच्चीस सौ कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी आपने कहा दो हजार डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू कितना आया दो हज़ार ये कितना आया एक लाख चार हजार पांच सौ अगर मैं हजार हजार का ऑर्डर साइज रखता हूँ परचेज कॉस्ट कितनी होगी एक लाख नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे दस तो ये कितना हो जाएगा पाँच हजार और कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी हमने कहा एक हजार डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू एक हजार ये कितना हो गया एक लाख छ हजार <coughs> बताओ जी टोटल कॉस्ट मिनिमम किस पर आ रही है हमने कहा एक लाख चार हजार पांच सौ तो ईओ क्यू मेरा कितना आ गया इओ क्यू कितना आ गया मेरा दो हजार क्या ये पांच नंबर का सवाल पेपर में कर पाओगे नहीं कर पाओगे कर लोगे अच्छे से पांच नंबर का सवाल पेपर में आता है कर पाओगे अच्छे से कर लोगे अब थोड़ा सा और देखें आई से कह रहे है, ये तो बहुत लेंदी हो गया कह रहे अब ध्यान से देखो आपने एक लाख एक लाख एक लाख एक लाख सब में ऐड कर रहे हो अगर ये एक लाख ऐड नहीं करते तभी क्या डिसीजन ले सकते थे ले सकते थे अगर मैं यहाँ से ये वन लाख हटा दूँ अगर मैं यहाँ से वन लाख हटा दूँ तो अभी भी क्या डिसीजन मेरा सेम है कि अलग है सेम है मैंने कहा अब मैं क्या कर रहा हूं मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड कर रहा हूं अभी मिनिमम कितना है चार हजार पांच सौ तो मैंने यही लिखवाया देखो इंटर में ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे को इतना समझ जो है आना चाहिए कह रहे हैं अगर परचेज कॉस्ट कांस्टेंट है तो कह रहे प्यारे प्यारे बच्चों परचेज कॉस्ट को ऐड मत करना कह रहे हैं अब क्या करो ईओ क्यू ऐसे ही निकल जाएगा सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को ऐड कर लेना और जहां पर ये लीस्ट होगा वो ईओ क्यू आ जाएगा और मुझे समझ नहीं आता लोग इंटर में फेल होते हैं अगर यह भी समझ नहीं आया और अगर थोड़ा सा बता दूं मैं कॉस्टिंग के सबसे टफेस्ट टॉपिक से, से शुरू किया अब इजी तो बहुत आगे आना है क्या यह अच्छे से कर लोगे ठीक है जी चलो अब एक सवाल मैं आपको जो है देता हूं और देखता हूं कि भाई क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे <laughs> तो भाई एग्जाम्पल नंबर वन तो भाई एग्जाम्पल नंबर वन तो पांच नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर और पांच नंबर का सवाल मतलब दस मिनट आपके पास होंगे ईओ क्यू निकालने के तो भी कह रहे हैं अ कंपनी अ कंपनी नीड्स टू परचेज थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट्स इन अ ईयर तो भाई अब कंपनी को पूरे साल छत्तीस हजार यूनिट चाहिए बहुत बढ़िया कह रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको दे दिया है साढ़े चार सौ रुपए कई बार आपको यह दे देते नहीं तो कई बार क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सौ रुपए इंस्पेक्शन कॉस्ट पचास रुपए डॉक्यूमेंट कॉस्ट पचास रुपए सबका टोटल कर लेना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है आ जाएगा ठीक है जी उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट पर एनम और सामान को रखने की कॉस्ट है रुपीज टेन पर यूनिट और इस सामान को अगर हम रखते हैं तो डेली की स्प्रे की कॉस्ट डेली का इंटरेस्ट जो लूज कर रहा हूं स्टोर कर रहा हूं हर चीज की कॉस्ट मिला के दस रुपए जो है मेरी पड़ गई और कह रहे हैं इतना सा सवाल कह रहे हैं कंप्यूट कंप्यूट ईओ क्यू कंप्यूट ईओ क्यू फ्रॉम दंग कंप्यूटक्यू फ्रॉम दाइजे और आपको दे रहे हैं ऑर्डर साइज कह रहे हैं अब इन साइज में से आप चूज करें ऑर्डर साइज वन थाउजेंड यूनिट अगर मैं एक एक हजार यूनिट लाऊं या पंद्रह सो पंद्रह सो यूनिट खरीदू या 1800, 1800 यूनिट्स खरीदूं, या 2000 करके यूनिट्स लेकर आऊं, या 3000 यूनिट्स लेकर आऊं, या 6000 यूनिट्स में लेकर आऊं, या 12000 यूनिट्स लेकर आऊं, या लास्ट छत्तीस एक ही बारी में लेकर आ जाऊं तो भाई छत्तीस हजार ए की बारी में लेकर आ जाऊं तो भी कौन सा बेटर जो है रहेगा ठीक है जी तो मैं फॉर्मेट बना देता हूं फिल आप कर देना तो भाई आप सबको बताओगा हम सेंटर में लिखते हैं आंसर टू एग्जाम्पल नंबर वन पेपर आपका सब्जेक्टिव है सेंटर में लिखेंगे आंसर टू एग्जाम्पल नंबर वन अंडरलाइन कर लेना एक लाइन छोड़ के फिर हम लिखते हैं स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन या determination ऑफ EOQ तो भाई हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसकी मदद से हम क्या निकालेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो भाई पहला कॉलम मैं लिख रहा हूं ऑर्डर साइज ये तो सवाल में गिवन है पहला मैं लिखूंगा ऑर्डर साइज दूसरा फिर मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्योंकि मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए तो सेकंड टेबलर फॉर्म में मैंने लिखा नंबर ऑफ ऑर्डर्स उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए ऑर्डरिंग कॉस्ट अब मुझे निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर मुझे क्या निकालनी है कैरिंग कॉस्ट फिर मुझे क्या निकालनी है कैरिंग कॉस्ट और अगर मैं इसको लिख दू वन इसको लिख दिया टू और मैं लिख दिया सम टोटल मैंने कहा वन प्लस टू तो भाई क्या कहते हो क्या आप ये कर पाओगे या नहीं तो भाई पहला है हज़ार फिर है पंद्रह सौ फिर है अठारह सौ फिर है दो हज़ार फिर है तीन हज़ार फिर आपका छ हज़ार बारह और छत्तीस हजार तो भाई देखते हैं कौन कौन बच्चे ईओ क्यू निकाल पाएंगे निकाल दिया अच्छा तो भाई यहां तो निकाल भी चुके हैं तो बोर्ड पे सॉल्व करना चाहोगे आजो तो इन्होंने EOQ निकाल भी लिया है तो इनको बोर्ड पर भी बुला लेते हैं हाँ जी तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत जो है करते हैं तालियां जोरदार जो है होनी चाहिए चलो जी जहां पर अभी बच्चे सोच मतलब वैल्यूज सारी बस लिखनी है हाँ वैल्यूज आप लिखते जो है आप चले जाए तो भाई जहां पर बच्चे अभी सोच रहे थे हमें सॉल्व करना है तो यहां पर आंसर्स भी आने शुरू हो गए बैठ जाए तो भाई चेक करें हाँ जी अच्छा कैलकुलेटर चाहिए चलो जी तो भाई पहले केस में 36 सिक्स ऑर्डर हो जाएंगे ठीक है जी और ऑर्डरिंग कॉस्ट सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड आ रही है सही है गलत है सही है और कैरिंग कॉस्ट फाइव थाउजेंड जो है आ रही होगी वन थाउजेंड डिवाइड बाई टू इन टू में आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट सेकेंड केस में चौबीस ऑर्डर बता रहे हैं दस हजार आठ सौ ऑर्डरिंग कॉस्ट सात हज़ार सौ कैरिंग कॉस्ट अट्ठारह हजार तीन सौ टोटल कॉस्ट जो है आ रही है अट्ठारह सो की बात करें तो बीस ऑर्डर होंगे नौ हजार ऑर्डरिंग कॉस्ट नौ हजार कैरिंगस्ट अट्ठारह हजार टोटल आ रहा है अगर दो हजार पर चले अट्ठारह ऑर्डर होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट एटी वन हंड्रेड कैरिंग कॉस्ट टेन थाउजेंड टोटल एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड अगर थ्री थाउजेंड पर चले तो ट्वेल्व ऑर्डर्स, फिफ्टी फोर हंड्रेड ऑर्डरिंग कॉस्ट फिफ्टीन थाउजेंड टोटल आया बीस हजार चार सौ अगर 6,000 हजार ऑर्डर साइज रखे तो ऑर्डर्स करने पड़ेंगे सत्ताईस सौ उधर तीस हजार और आप कह रहे हैं थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड और अगर बारह हजार का ऑर्डर साइज रखें तो थ्री ऑर्डर्स होंगे तेरह हजार तेरह सौ पचास ऑर्डरिंग कॉस्ट सिक्सटी थाउजेंड कैरिंग कॉस्ट सिक्सटी वन थाउजेंड थ्री फिफ्टी टोटल कॉस्ट और अगर थर्टी सिक्स थाउजेंड एक बारी में लें तो एक ही ऑर्डर होगा साढ़े चार सौ कैरिंग कॉस्ट एक लाख अस्सी हजार तो ये एक अस्सी आया तो इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 1800 हंड्रेड यूनिट लोवेस्ट कॉस्ट अट्ठारह हज़ार पर आ रही है सही है गलत है सही है एक बार जोरदार तालियां जो है इनके लिए हो जाए तालियां जोरदार जो है होनी चाहिए थोड़ी सी और तेज़ अगर कर पाए कोशिश करें ठीक है लो जी तो भाई एक बार पूछ लेता हूँ कितने बच्चे निकाल पाए अच्छा ऑलमोस्ट सब ने निकाल भी जो है लिया है तो भाई आप चेक करें पेपर का पाँच नंबर का सवाल इंस्टूड आपको दस मिनट देता है अभी आपके ऊपर है आप इसको पाँच मिनट में कंप्लीट करते हैं दस मिनट में कंप्लीट करते हैं बीस मिनट लगाते हैं ये आपकी स्पीड के ऊपर जो है हमेशा रहेगा तो भाई आराम से चेक करें नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर थोड़ा समझाना चाहूं तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालोगे थर्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई ये जो फर्स्ट है तो एक हज़ार हमने कहा थर्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाय पंद्रह सौ थर्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाय अट्ठारह सौ थर्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाय दो हज़ार नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया होगा और फिर बताएं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास 450 फिफ्टी गेवन है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 450 फिफ्टी मल्टीप्लाई अगर मैं इसको मान लो ए लिख दूँ तो मल्टीप्लाई बाय ए फोर फिफ्टी इंटू में थर्टी सिक्स फोर फिफ्टी इंटू में ट्वेंटी फोर फोर फिफ्टी इंटू में ट्वेंटी फोर फिफ्टी इंटू में आ गई होगी उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली हाँ जी कैरिंग कॉस्ट की बात करें जो भी मेरा ऑर्डर साइज था जो भी मेरा ऑर्डर साइज था मैंने कहा हजार डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई हमने कहा कैरिंग कॉस्ट कितनी के बने दस मल्टीप्लाई बाय टू इन टू टेन जैसे यहाँ पर कितना है पंद्रह सौ डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय टेन यहाँ पर कितना है अट्ठारह सौ डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय टेन यहाँ पर कितना है दो हजार डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय टेन आप सब ये कर सकते हो और उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों को टोटल किया दोनों को टोटल किया मेरा टोटल जो है आया और इन सब में मिनिमम कहाँ पर है अट्ठारह हजार तो मेरा ईओ क्यू ये मेरा कितना आ गया अट्ठारह सो जो है आ गया है लो जी तो भाई ऑनलाइन बच्चे आप सबका आंसर आया कि नहीं आया अगर आ गया तो मुझे थम्स अप दे दे अगर कहीं गड़बड़ कर दी तो थम्स डाउन जो है दे दे ऐसे यहाँ पर किसी बच्चे ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ गड़बड़ करी हो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने गड़बड़ जो है करी हो सब ने निकाल लिया चलो बहुत बढ़िया इसमें किसी को कोई भी डाउट हो क्या ये सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे अच्छे से कर लोगे चलो जी तो मेरा एक सवाल अब और थोड़ा सा लेवल ऑफ और बढ़ाते हैं तो इसका प्रैक्टिस नहीं करते अब लेवल और जो है बढ़ा चलते हैं अब मुझे सोच कर बताओ ये तो आपको मैंने ऑर्डर साइज दिया ध्यान से सोचना इस बात को मैंने आपको अलग अलग ऑर्डर साइज दिए हज़ार पंद्रह 1800, 2000, 3000, दो हजार तो आपने लगभग देखा कि भाई पहले 21,200 था यहां से देखना 21,200 था मेरी कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई कॉस्ट मेरी कम हुई उसके बाद फिर कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई बढ़नी शुरू हुई बढ़नी शुरू हुई बढ़नी शुरू बढ़नी, शुरुई, बढ़नी, शुरुई, बढ़नी, शुरुई, बढ़नी शुरुई जो है शुरू हो गए इतिमा समझ आती है तो कुछ चीजें ये मेरे को आगे जब हम केस बी करेंगे तब मुझे चीजें जो है तब चाहिए होंगे तो एक चीज माइंड में क्लियर हुई कि भाई ये जो ईओ क्यू आया उससे पहले भी कॉस्ट ज्यादा है उसके बाद भी कॉस्ट ज्यादा है और अगर मैं इसका कोई ग्राफ अगर बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा मे बी शेप भाई ईओ क्यू पर मिनिमम पर है कॉस्ट कम होगी कम होगी कम होगी फिर बढ़नी जो है शुरू हो जाएगी ये बात तो क्लियर होती है बहुत सारे सवाल करेंगे तो कुछ बातें क्लियर हुई कि मिनिमम है पहले कॉस्ट ज्यादा होगी कम होते होते आए और फिर जो है मेरी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी ठीक है जी पर अब मेरा एक सवाल और मैंने आपसे पूछा देखो ये सारे केसेस ये यू आर हंड्रेड परसेंट श्योर कि 1800 पर मिनिमम आ गए ठीक है 1800 ऊपर पर आप मिनिमम हो अगर इन सारी क्वांटिटी की बात करें पर मैं अगर आपसे पूछूं क्या कॉस्ट और भी कम हो सकती है क्या कॉस्ट और भी कम हो सकती है मतलब मेरा सवाल क्या 1800 पे ही मिनिमम है भाई या 1810 पर मिनिमम हो जाए या मे भी सत्रह पे मिनिमम हो क्या ये 1800 मिनिमम है या ये 1850 हो जाए या 1900 हो जाए ये बात तो क्लियर है 1500 की कॉस्ट ज्यादा है 2000 हजार की कॉस्ट ज्यादा है 1800 मिनिमम है ऐसा भी तो हो सकता है कि 1850 पर मिनिमम हो और फिर ऊपर जा रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता हो सकता है उन्नीस पे मिनिमम हो और उसके बाद ऊपर जो है जा रहा है तो सवाल एक और भी आया कि भाई क्या ये 1800 ही मिनिमम है या इसके मिनिमम भी हो सकता है तो भाई कितने कह रहे हैं हो सकता है चांसेस हैं ऑलमोस्ट सारे बच्चे कह रहे हैं भी, हाँ, है कि मिनिमम हो भी सकता है भी हमने तो सर अभी इन वैल्यूज पर चेक किया इस वैल्यू पर तो सर 1800 मिनिमम है पर सर हंड्रेड श्योर जो है नहीं है इतनी बात क्लियर है तो भाई अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कितना मिनिमम पर जा सकते हैं वो कैसे जाएं वो कैसे जो है जाएं आज का लास्ट टॉपिक उसको जो है अपन को टेकअप जो है करना है। तो लो जी अब ध्यान से चेक करो आज का लास्ट टॉपिक कह रहे हैं ध्यान से चेक करना डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ इो क्यू पेपर में ईओ क्यूब आना ही आना है पांच नंबर लेकर चलो या तो आप कहेंगे डायरेक्टली निकालो या आपको टेबल के थ्रू निकालना जो है आएगा तो ईओ क्यूब आने ही आना है पेपर में या तो आप कहेंगे डायरेक्टली निकालो हम या आपको केसेस दे ही नहीं रहे हम आपको कोई केस नहीं दे रहे आप सीधा बताओ मिनिमम कितना जो है होना चाहिए या हम आपको केसेस दे रहे हैं केसेस में से मिनिमम पर जो है जाना तो भाई इस बात को चेक करें डिटमिनेशन ऑफ ईओ क्यूब तो लो जी लिखो कह रहे इफ इफ ए इज इक्वल टू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इफ ए इज इक्वल टू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इस परचेज को ना अंडरलाइन कर लेना बॉक्स में डाल देना हमें कितना सामान खरीदना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट अभी तो आपको गिवन होगा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आपको कंजम्पन गिवन होगी ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा आपको परचेज निकालना है हमारा मेन टारगेट क्या है कितनी क्वांटिटी मुझे परचेज करनी है तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट हमें जो है चाहिए और उसमें भी आगे लिखो फॉर ट्रेडर जो ट्रेडर हैं वो क्या खरीदते हैं वो खरीदते हैं फिनिश गुड्स हमारे जो ट्रेडर हैं वो क्या खरीदते हैं फिनिश गुड्स सामान खरीदा बेचा सामान खरीदा बेचा सामान खरीदा बेचा पर जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते है? हैं वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं फिनिश गुड़ बनाते हैं और फिनिश गुड़ को जो है बेचते हैं तो पेपर अभी थोड़ा सा टेक्निकल होगा आपको फिनिश गुड की सेल्स गिवन होगी थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं। फिनिश गुड़ की सेल गिवन होगी फिनिश गुड़ का ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा फिनिश गुड़ का क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा फिनिश गुड का मैन्युफैक्चर का तो आपको क्या चाहिए एनुअल प्रोडक्शन निकालोगे हमने अगले साल इतना बेचेंगे इतना ओपनिंग स्टॉक इतना क्लोजिंग स्टॉक कितना बनाना है उसके बाद फिनिश गुड से रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट गिवन होगी इस सामान को बनाने में इतना के जी रॉ मटेरियल चाहिए फिर रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक गिवन होगा तो वो इतनी रिक्वायरमेंट है उससे मुझे रॉ मटेरियल कितना खरीदना जो है पड़ेगा तो एट दिन माइंड में क्या है मुझे खरीदना कितना है वो आपको जो है निकालना होगा तो ग्रेजुअली जो है आप तो लेकर चलेंगे तो ए का मतलब क्या है एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट उसके बाद ओ को हम डिनोट कर रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर या तो गिवन होगी जैसे पिछले सवाल में साढ़े चार सौ रुपए या आपको कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर सब कुछ टोटल करके जो है निकाल लेना और उसके बाद सी जिसको हम बोल रहे हैं कैरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट For one year, carrying cost of one unit for one year, एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट पूरे साल की कितनी जो है होती है ठीक है जी तो कह रहे हैं अगर ये तीन चीजें आप निकाल लो अगर ये तीन चीजें निकाल लो तो भाई लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया बहुत ही प्यारा फॉर्मूला कह रहे ईओ क्यू तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे हमें टेबल की जरूरत नहीं और फॉर्मूला क्या है कह रहे सिंपल सा फॉर्मूला है कह रहे टू इंटू मे ए डिवाइडेड बाय सी कह रहे सिंपल सा काम करना है फॉर्मूला कैसे बना अभी समझेंगे सारे फॉर्मूले समझेंगे एक बार मान लेते फॉर्मूला बन गया टू ए डिवाइडेड बाय सी कह रहे इस फॉर्मुले से आप डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो तो ये हंड्रेड परसेंट मिनिमम क्वांटिटी जो है आएगी फॉर एग्जाम्पल लिख लो एग्जाम्पल नंबर टू मैंने कहा कंप्यूट कंप्यूट ईओ क्यू इन एग्जाम्पल नंबर वन तो भाई कहने सीधा एग्जाम्पल वन में ईओ क्यू डायरेक्टली जो है आप निकाले तो भाई हम क्या करेंगे वही काम हमने कहा स्टेटमेंट Showing statement showing computation of EoQ पेपर में दो ही वैरायटी होती है या तो आप कहेंगे टेबल बनाकर आप मिनिमम पर जाओ और EoQ निकालो या दूसरी वैरायटी वो कह रहे हैं डायरेक्टली ईओ जो है निकाल लो डायरेक्ट निकालना तो बेहद आसान तो भाई कैसे शुरू होगा को निकालने में आपको सिर्फ तीन चीजें जो है आपको चाहिए आपको तीन चीजें चाहिए हमने कहा ई ओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू ए डिवाइडेड बाय सी वेयर अब तो सिर्फ प्रेजेंटेशन है पेपर ऑब्जेक्टिव होता अब तक आप निकाल चुके हो पर क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव है थोड़ा सा लिखना जो है पड़ेगा वेयर ए इज इक्वल टू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट क्या आपको गिवन है कितनी है आपने कहा थर्टी सिक्स थाउजेंड और इंपॉर्टेंट क्या है रुपीज है केजीज है लीटर है क्या है यूनिट तो आपने लिखा थर्टी सिक्स थाउजेंड यूनिट फिर आपने कहा ओ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या ये आपको गिवन है साढ़े चार सौ आपने, आपने कहा रूपीज फोर फिफ्टी और सी आपने कहा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ये कितना गिवन है रुपीज टेन रुपीज टेन और आपका तो सवाल फटाफट ही आ गया ई क्यू कह रहे हैं टू इन टू में थर्टी सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाय बाय साढ़े चार सौ डिवाइडेड बाय टेन अंडर रूट दबाओ और ये कितना आ रहा है कितना आ रहा है एटीन हंड्रेड यूनिट्स ये कितना आ रहा है एटीन हंड्रेड यूनिट्स नाउ आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर एटीन हंड्रेड से कम हो ही नहीं सकता आज घर पे आपका होमवर्क है सब ट्राई कर लेना 1790, 1795, 1780, 1750 जो आपका मन करे 1800 से नीचे आप कभी भी जा नहीं सकते 1800 से नीचे आप कभी भी जो है आप नहीं जा सकते कंफर्टेबल है ठीक है जी एक एग्जाम्पल पहले करते हैं फिर फॉर्मूले की डेरिवेशन पर भी आएंगे ठीक है एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर फॉर्मूले के डेरिवेशन पर भी आएंगे तब तक आप भी देखो ये फॉर्मूला कैसे बना आखिर इस फॉर्मूले से ये कैसे आ गया तो पांच मिनट आपको दिए आप सोचते जाओ तब तक एग्जाम्पल भी करो और अभी तक का तो मेरा अनुभव है बच्चे फॉर्मूले की डेरिवेशन निकाल लेते हैं आखिर अठारह डायरेक्टली कैसे आया नहीं आएगा मैं बता दूंगा ठीक है तो भाई तब तक एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखो जी एग्जाम्पल नंबर थ्री कह रहे हैं कैलकुलेट कैलकुलेट EOQ पेपर ये पांच नंबर का सवाल आता है EOQ निकालना निकालना कैलकुलेट ईओ क्यू चेक करें नंबर ऑफ ऑर्डर्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो भाई आपको क्या करना है ईओ क्यू निकालना है ईओ क्यू ऑर्डर साइज आएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लोगे तो आज जितना पढ़ा है उसकी समरी पांच नंबर का सवाल उसके बाद आपको निकालना है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल देना उसके बाद आपको निकालना है एनुअल कैरिंग कॉस्ट एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकाल देना ऑर्डर साइज आएगा कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगा कॉमा एनुअल परचेज कॉस्ट एनुअल परचेज कॉस्ट ये भी निकाल देना

मैं आपको दे रहा हूं मतलब इस सवाल के दो पार्ट केस ए हाँ जी आपको गिवन ने एनुअल डिमांड एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट तो जो सामान हमें खरीदना है उसकी एनुअल डिमांड मैं आपको दे रहा हूं 1250 यूनिट्स मैं आपको परचेज प्राइस सामान खरीदने का प्राइस है चार रुपए मैं आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट वो आपको दे रहा हूं रुपीस फिफ्टी पर ऑर्डर और मैं आपको कैरिंग कॉस्ट दे रहा हूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आनम वो आपको दे रहा हूं रुपीज टू सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं पेपर में ये नंबर का सवाल जो है आता है अब क्योंकि ईओ क्यू निकल गया वो दो नंबर ढाई नंबर का होता है बाकी सब आधे आधे नंबर के जो है बन जाते भाई अब नंबर का सवाल है दस मिनट दे रहे हैं तो बस अब आपसे वो कहते हैं मिनट में आराम से जो है आप ये ईओ क्यू निकालें नंबर ऑफ ऑर्डर्स एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये सब जो है आप निकाल लें निकाल लिया हाँ जी सारी चीजें निकाल लें हाँ जी आप चाहे विद प्रेजेंटेशन निकाल लें आइडली तो सारे फॉर्मली लिखने चाहिए विद प्रेजेंटेशन सारा काम होना चाहिए तो हम कह रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ईओ क्यू तो भाई कंप्यूटेशन ऑफ ईओ पहला पार्ट तो भाई ईओ क्यू आपका क्या होगा टू ए डिवाइडेड बाय सी एनुअल रिक्वायरमेंट गे बन है कितनी बारह सो पचास ऑर्डरिंग पचास कैरिंग दो तो बताओ जी आंसर कितना 250 तो आपने कहा भाई 250 फिफ्टी यूनिट हाँ पेपर में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर लेना दो ढाई नंबर इसी बात के होंगे आपके पक्के जो है हो गए ठीक है जी तो पहला पार्ट क्या था मेरे को ईओ निकालना है उसके बाद सेकंड है नंबर ऑफ ऑर्डर्स आधे नंबर का होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर्मुला क्या होता है हाँ जी एनुअल रिक्वायरमेंट फॉर्मूला लिख लेना एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्या होगा ऑर्डर साइज जिसको मैं यहां क्या बोल रहा हूं इ्यू तो भाई हमारे पास टोटल 1250 यूनिट खरीदने थे हम 250 250 खरीद रहे हैं तो कितने ऑर्डर्स हो गए कितने ऑर्डर्स हो गए पांच फाइव ऑर्डर्स क्या पांच नंबर आपका आधा नंबर और हो गया ठीक है जी उसके बाद सिंपल सिंपल सा काम है अब कह रहे हैं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालो तो भाई एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये क्या हो जाएगा आपने कहा भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाय बाय कॉस्ट पर ऑर्डर सिंपल सिंपल सा काम ऑर्डर कितने पांच ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है पचास तो कितने रुपए हो गए ढाई सौ रुपए ठीक है जी उसके बाद और मुझे क्या निकालना है फिर कैरिंग कॉस्ट निकालनी है हम और आगे बढ़े हमने कहा अभी एनुअल कैरिंग कॉस्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है हाँ जी एवरेज स्टॉक एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एवरेज स्टॉक ऑर्डर साइज हमारा कितना है 250 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज स्टॉक 250 डिवाइडेड बाय 2 और इसको कैरी करने की कॉस्ट कितनी है दो रुपए तो भाई ये भी कितना आया ढाई सौ रुपए ठीक है जी और उसके बाद फिर क्या है एनुअल परचेज कॉस्ट ये सब आधे आधे नंबर के होंगे एनुअल परचेज कॉस्ट एनुअल परचेज कॉस्ट ये क्या होगा एनुअल रिक्वायरमेंट एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस बता सकते हो कितनी रिक्वायरमेंट है 1250 और कितने रुपए चार रुपए तो ये कितने रुपए हो गए पांच हजार आपने कहा सर ये हो गए पांच हजार ठीक है जी और मेरा शायद लास्ट होगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लो जी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भाई ये क्या है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट इसका मतलब 5000 हजार प्लस ढाई सौ प्लस ढाई सौ ये कितना हो गया 5500 हजार पाँच सौ और इसके आपके पांच नंबर भी पक्के जो है हो जाएंगे लो जी किसी को इसमें कोई भी डाउट हो अच्छे से कर लोगे इसमें किसी को कोई भी छोटा मोटा डाउट हो ठीक है जी लो जी और आज का लास्ट एग्जाम्पल बस और कर ले सिर्फ प्रैक्टिस के लिए केस वन दे दिया सेम कर लो केस टू केस बी अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी हो तो क्या करते बस आपको पहले बता देता हूं एनुअल की जमे जगह वो क्या दे देंगे क्वार्टरली अब कह रहे क्वार्टरली डिमांड क्वार्टरली डिमांड वो आपको दे रहे हैं 3200 टू हंड्रेड के जी तो भाई इतना सही बस आपका सीए इंटरमीड होता है सीधा सीधा देंगे एनुअल डिमांड देंगे नहीं तो क्या करेंगे क्वार्टरली मंथली डेली वीकली करना क्या है एनुअल में कन्वर्ट कर लेना ठीक है जी उसके बाद और मेरे पास कुछ नहीं है सेम स्टोरी परचेज प्राइस वो आपको गिवन होगा रुपीज फिफ्टी फिर आपको दे देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट वो आपको दे देंगे मेबी रुपीज वन ट्वेंटी फाइव पर ऑर्डर और लास्ट में अगर कोई चेंज करना हो तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या तो वैल्यू गिवन होती है या कई बार आपको परसेंटेज में दे देते हैं कह टेन परसेंट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री तो भाई इतना साही बस। आई से मुश्किल सवाल जो है बनता है अब मुश्किल क्यों बन गया अगर बच्चे ने जल्दबाजी में क्वार्टरली शब्द नहीं पढ़ा और एनुअल ले लिया सारा जीरो जो है हो जाएगा तो क्वार्टरली क्या करना है एनुअल में कर लेना और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज है परसेंटेज किसका होता है परसेंटेज किसका होता है परचेज प्राइस का बस वो ध्यान रखना है तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है टेन परसेंट ऑफ परचेज प्राइस फिफ्टीज का मतलब सिंपल सी बात है रुपीज फाइव पर यूनिट पर आनम जो है होगा कई बार जल्दबाजी में टेन परसेंट कई बार ऑर्डरिंग का ले लेते हैं किसी और का लेते हैं परचेज प्राइस गिवन होगा उसका परसेंटेज निकालो आपकी वैल्यू जो है आ जाएगी तो भाई मेरा ए कितना आ रहा है नहीं एनुअल डिमांड कितनी आ रही है ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड एनुअल डिमांड मेरी आ गई ओ मेरे को ऑलरेडी गेवन ने एक सौ पच्चीस सी मेरे को गेवन पांच सी मेरे को गेवन ने पांच सिंपल सा अब आपको यूक्यूब फॉर्मूला निकालना है यो क्यूब अंडर रूट ऑफ टू इंटू में बारह हज़ार आठ सौ इंटू में एक सौ पच्चीस डिवाइडेड बाय फाइव ये कितना आ रहा है आठ सौ तो ये कितना आ गया आठ सौ के जी तो भाई ये हमारा कितना आ गया 800 सौ के जी और अगर मैं ऊपर ही ले लूँ तो भाई ऊपर इसको कर लेते हैं तो भाई आराम से चेक करो पहला आंसर आपने मुझे बताया 800 हंड्रेड के जी फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो रहे हैं 16 16 ऑर्डर्स आपका टोटल कितना है 12,800 एनुअल डिमांड डिवाइड बाय 800 तो आपने कहा 16 ऑर्डर्स जो है आपके आ रहे होंगे 16 ऑर्डर्स आपके आए उसके बाद 16 ऑर्डर्स और मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट 125 के हिसाब से है तो ये कितना आया 2000 तो आपने कहा सर ये मेरा कितना आ गया 2000 ठीक है जी फिर एवरेज स्टॉक 800 डिवाइडेड बाय 2 इन टू में कैरिंग कॉस्ट कितनी है पांच ये कितना आ रहा है दो हज़ार ये कितना आ रहा है दो हजार उसके बाद फिर चेक करें एनुअल परचेज कॉस्ट वो मेरी कितनी आ रही है तो भाई शायद आपका बारह हजार आठ सौ डिवाइड बाय पचास तो ये कितना हो रहा है छ लाख चालीस हजार तो आपने कहा छ लाख चालीस हजार और अब इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा सिक्स लाख फोर्टी फोर थाउजेंड रुपी सिक्स लाख फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है जी बस पूछ लेता हूँ कितने बच्चों ने ये अच्छे से निकाल लिया ऑलमोस्ट सब ने तो भी आपके ऑलमोस्ट पांच नंबर तो पक्के जो है हो जाते हैं। पता भी नहीं चलेगा कॉस्टिंग कब शुरू होकर खत्म जो है हो जाएगा ठीक है जी कंफर्टेबल चल रहा है पहले तो यहां तक आपको कोई डाउट हो किसी के मन में कोई भी डाउट हो तो अब मेरा सवाल आपसे देखते हैं कोई मेरी मदद करे ये क्या फॉर्मूला बना पर कमाल की बात है फॉर्मूला से आंसर आ रहा है आखिर ये फॉर्मूला क्या बना कैसे बना होगा पर इसे आंसर तो आ रहा है कोई वाइल्ड गेस्ट मुझे भरोसा है मतलब मेरा एक्सपीरियंस है आखिर क्या अटपटा फॉर्मूला बना पर इसे आंसर आ रहा है कोई भी सोचे कोई भी अंडर करा है ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं आखिर क्या किया होगा देखो पेपर में फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं आती पर एजुकेशन मेरा मानना है मुझे आपको लॉजिकल बनाना है ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने होंगे मैं आपको सिर्फ लॉजिकली आपका ब्रेन डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे को उम्मीद है आप सोचें डे आप इसको डिराइव कर लोगे आप सोचें थोड़ा सा कोशिश करें फिर मैं आपकी मदद करूंगा आपको हाँ आखिर हम क्या कर रहे हैं हमने कुछ ऐसा पढ़ा है सी ए फाउंडेशन में ही जाओ सी ए फाउंडेशन मैथमेटिक्स याद करो बिजनेस मैनास लॉजिकल रीजनिंग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कुछ याद करो हाँ फिर मैं सारे ही बता दूंगा फिर मैं सारे ही बता दूंगा एक एक्चुअली मैं वही चाहता हूँ देखो मैं चाहता हूं आप इंडिपेंडेंट बनो मैं चाहता हूं आप इंडिपेंडेंट बनो इंडिपेंडेंट हर चीज के लिए आपको किताब की जरूरत नहीं भगवान ने आपको ब्रेन दिया है भगवान ने आपको ब्रेन दिया है चलो थोड़ी सी हेल्प करता हूं थोड़ी सी हेल्प करता हूं आखिर ये ईओ क्यू है क्या उसी पे सोचो ईओ क्यू ईओ क्यू क्या है बच्चा करो क्यू ईओ क्यू है ईओ क्यू क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आखिर ये ईओ क्यू क्या निकाल रहा है ईओक्यू क्यू क्या निकाल रहा है हमने इससे निकाला क्या एक ऐसी क्वांटिटी जिससे कॉस्ट मिनिमम हो जाए और सोचो हां अब आ रहे सर कॉस्ट मिनिमम हो जाए सर ये फाउंडेशन में भी और ट्वेल्थ में कुछ पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा हे राम क्या सर ये चीटिंग है कौन है वो लोग जिन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स सिर्फ सीए फाउंडेशन में है क्या यार चलो आ जाते हैं तभी बिजनेस मैथमेटिक्स छोड़ना नहीं है बेटा आपको उतना ही पढ़ाया था जितना आपको आगे चाहिए अब मेरे पास तीन मिनट हैं फटाफट से देखते हैं इस बात को तभी चेक करो हाँ जी इस बात को फिर चेक करें आपको तभी देखो सी ए फाउंडेशन में दैट वॉज बिजनेस मैथमेटिक्स उतना ही डिफ्रेंसिएशन बढ़ाया था टिग्नोमेट्री नहीं बढ़ाई थी उतना ही पढ़ाया था जितना आपको आगे इंटर फाइनल में चाहिए और ये मेरा अनुभव है अगर सी ए फाउंडेशन आपका अच्छा हुआ इंटर फाइनल यू विल रियली एंजॉय और अगर सी ए फाउंडेशन में आपने गड़बड़ करी है इंटर फाइनल आपके लिए मुश्किल जो है होता है ठीक है तो इस बात को फिर से पर फिर मैं कहूंगा देखो फॉर्मले की डेरिवेशन जरूरत नहीं आपको आंसर तो निकालना आ गया तो मेरा पार्ट था आंसर निकालना आ गया पर मेरा बार बार कोशिश है कि भी हम एक बार मेहनत कर लें फाउंडेशन एंटर एक बार मेहनत करो लाइफ लॉन्ग काम जो है आना है और चलो अब अगर इस बात को समझो ईओ क्या है मैं एक ऐसी क्वांटिटी निकाल रहा हूं मैं एक ऐसी क्वांटिटी निकाल रहा हूं, जहां पर कॉस्ट क्या हो जाए मिनिमम अब ध्यान से आप चेक करो अब पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना लिखने की जरूरत नहीं गूगल पे सारी डेरिवेशन है पर वही बार बार मेरी कोशिश क्या है कि आपको स्ट्राइक करना आना चाहिए जैसी आया कॉस्ट मिनिमम डिफरेंसिएशन चलना चाहिए डिफरेंस नहीं चलाना तो गड़बड़ है फॉर्मुला आपने पढ़ लिया सब कुछ है पर मैं वेट करता हूँ कुछ बैचेस होते हैं सर कॉस्ट मिनिमम क्या आप डिफ्रेंसिएशन से निकाल सकते तो तो मुझे पढ़ाने में मजा आता है ये मजा नहीं आता मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया आपका आंसर है बड़े खुश हाँ सर आंसर आगे पांच नंबर पक्के भाई आपको मुझे अकेडमी लिखी स्ट्रॉन्ग तो बनाना है मुझे आपको एंटरप्रीनोर भी बनाना है तो जहां आपको लगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है डिफ्रेंसियन माइंड में आना चाहिए कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो तो खेल में मज़ा जो है आएगा लो जी इसी बात को समझे टोटल कॉस्ट पूरा ध्यान बोर्ड पर टोटल कॉस्ट क्या होती है परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट ये मैंने कहा लेट टोटल कॉस्ट भी वाई डिफ्रेंसिएशन कर रहे तो मैंने इसको वाई से रिप्रेजेंट किया और मेरे को निकालना क्या है वो क्वांटिटी ऑर्डर साइज़ वो क्वांटिटी जिससे कॉस्ट मिनिमम हो जाए लेट द ऑर्डर साइज भी एक्स लेट द ऑर्डर साइज़ भी एक्स अब मुझे वो क्वांटिटी निकालनी है जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो गई अब ध्यान से चेक करो सब कुछ आपने पढ़ा है परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला परचेज कॉस्ट का पहले फॉर्मूला कह रहे जीरो न लाइक परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला एनुअल रिक्वायरमेंट बाय परचेज प्राइस

आप चेक करें मैंने कहा ना आप बहुत लॉजिकल लोग हैं और मैं उसी पर बार बार फोकस करता तो हूँ मेमोरी बेस्ट नहीं चल रहे हम लॉजिकल चलेंगे तभी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो मैं कह सकता हूँ अगर इंडिया का बेस्ट रिजल्ट अगर मैं दे रहा हूँ कुछ तो होगा इतना ही है मैं आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस जो है आ जाए नाउ दिस इज़ माई इक्वेशन और डिफ्रेंसिएशन मैक्सिमा मिनिमा क्या करते हो पहले डीवाई बाई डी एक्स निकालते हो चेक करो डिवाई बाई डी एक्स आप सबको निकालना आता है इसका क्या होगा ज़ीरो इसका क्या होगा अब ध्यान से चेक करो ये x की पावर माइनस वन है तो क्या होगा माइनस एक्स की पावर माइनस टू या x स्क्वायर ठीक है x बाई टू इंटू मे सी डिफ्रेंशिएट करो सी बाई टू सी इज अंस्टेंट सी बाई टू डिफ्रेंसिएशन में मैक्सिमम अब क्या करते हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो जीरो तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करोगे अगर आप इसको जीरो पुट करें मैं इसको इधर ले जाऊं सिंपल सा ए अपॉन मी एक्स स्क्र दिस इज इक्वल टू सी बाई टू कुछ नहीं कर रहा एक्स स्क्र इक्वल टू हा क्या टाइम पास है और आप चेक करो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव तो नहीं होगा ये फॉर्मूला है ये कोई फॉर्मूले है ये कोई फॉर्मूले हैं है? आप खुद चेक करें अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्या ये मिनिमम है या मैक्सिमा है इसके लिए आप क्या करते हो सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वायोपोन में डी एक्स स्क्वायर इसको सेकंड डेरिवेटिव करो ये मेरा एक्स की पावर माइनस टू आया तो माइनस टू आ गया आएगा तो प्लस टू एक्स क्यूब हो जाएगा इसका डिफ्रेंसीशन जीरो ए मेरा क्या है पॉजिटिव ओ मेरा क्या है पॉजिटिव टू मेरा क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी मेरी क्या है पॉजिटिव ये क्या होगा पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव है ये मिनिम हाथ हो गया ये इंटर है ये फाइनल है आप सारे सब्जेक्ट चेक कर लो अब आपको ज्यादा नहीं पढ़ा रहे जितना पढ़ा है मैं तो समराइज करा रहा हूं मैंने आपको आज क्या पढ़ाया एपीजी भी मैंने आपको क्या डिफ्रेंसिएशन मेरे फॉर्मुल बन गए और कुछ नहीं है इतना ही आसान है पर जिस बच्चे ने सीफ फाउंडेशन ही पढ़ाना उसको इंटर मुश्किल लगता है ये आप चेक कर लेना जो बच्चा इंटर में क्योंकि अब आप आपको डर एक होता है कि इंटर में एक डर होता है पता नहीं सर इंटर बड़ा मुश्किल है जिस बच्चे ने कहा इंटर मुश्किल है पूछना था इस फाउंडेशन में कितने नंबर थे बस सीधी सी बात है जिस बच्चे ने इंटर मुश्किल लगा उससे बस एक चीज पूछ रहे ना सी फाउंडेशन में कितने नंबर थे सौ आपके दो सौ ढाई सौ के बीच में होगा टू फिफ्टी प्लस जैसी आते हैं उसके इंटर बहुत आसान होता है अगर आप थ्री हंड्रेड प्लस अगर फाउंडेशन में लाते हो तो इंटर तो आप बहुत इंजॉय करते हो मतलब मेरा जो अनुभव रहा उन बच्चों को इंटर मुश्किल लगा जिनकी फाउंडेशन में डॉट दो सो पास हुए दो सौ सवा दो सौ पास हुए हाँ उनको इंटर मुश्किल लगता है क्यों पुराने पाप है बच्चा करे ए पी <laughs> बच्चा करे डिफरेंशिएशन और जिसने कहा सर ये तो समझ आ गया आगे बढ़ाओ सर यो क्यों मजा आ गया उसके लिए और इस बार मैंने चेक किया मेरे कॉस्टिंग में कॉस्टिंग में जिन बच्चों ने 90 क्रॉस किया सबके फाउंडेशन में 300 प्लस हैं जिन बच्चों ने 90 क्रॉस किया जिस बच्चे की रैंक आई ऑल इंडिया 7 दिल्ली टॉप किया 358 फाउंडेशन में थे मैं तो हमेशा चेक किया जिनके 300 क्रॉस होते हैं सिंगल ग्रुप डबल ग्रुप फर्स्ट शॉट में निकलता है नाइन्टी प्लस अच्छे से आते हैं जिनके टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड होते हैं निकल जाते हैं थोड़े सा नंबर कम आते हैं और जिनके टू हंड्रेड टू फिफ्टी हैं वो थोड़ा सा डरते डरते जो है वो चलते बस पास वो भी जो है कर जाते ठीक है थीके? तो इतना सा सी ए इंटर है इतने ही आसान इतना ही मुश्किल और नेक्स्ट क्लास में अब और आगे जो है लेकर चलेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच कीप स्माइलिंग गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल बाय बाय mm <laughs>